दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उनमें से कई पागल होते हैं और कुछ तो गॉन केस। अब इस पागल को ही देखो, आप समझते होंगे कि ये बहुत परेशान है, लेकिन इनकी कहानी अलग ही है। देख ली? अरे मरल रे। अब इनको क्या कहेंगे आप? अब देखिए दूसरे किस्म का पागल। आसपास भले कितने भी लोग हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन पर ऊंची आवाज में बात करना इनका शौक है। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है और यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग सोच विचार के लोग। फिर भी सबका मिलकर रहना भी एक दिलचस्प बात होती है, क्यों, मान गए ना? आप लोग मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि हर इंसान के जीवन में समय का अमूल्य स्थान है। गुजरा हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन अगर समय सही ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको आपका मनचाहा फल नहीं मिलता। जो होता है सब पहले से ही लिखा हुआ होता है। फिर भी कई लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का सही समय जरूर आता है। इसलिए हिम्मत ना हार कर हम सबको अपने सही समय का इंतजार करना चाहिए। गुस्सा आना तो लाजमी है, पर उस घड़ी में उस गुस्से को पी जाना अच्छा है, उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अब ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में चार पागल हैं। उनकी कहानी में पैसे डालने वाले ये प्रोड्यूसर, पर मैं आपका सूत्रधार हूँ। आइए देखते हैं इनकी कहानी। इनका नाम है राजा और ये है पागल नंबर वन। राजा, तुम फिर से यहाँ पर आ गए, कितनी बार यहाँ के चक्कर काटोगे? राजा, 3 महीने से पहले तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ना तुम्हारा काम बनेगा ना तुम्हारे साथ रहने वालों का। मेरे पास 3 महीने के बाद ही आना, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, ये बात सच है। नेक्स्ट, चलो जाओ 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 जाओ, पैसे नहीं चाहिए। क्या हुआ भाई? तू कौन है बे? नहीं कुछ नहीं। तू घूर क्यों रहा है? क्यों, घूरना गलत है क्या? तू खुद को हीरो समझता है क्या? नहीं भाई। ए, चला जा, नहीं तो अरे भाई भाग के जाएगा कहाँ? सुबह सुबह नाच गाना बंद करो, आकर चाय पी लो। पता नहीं इस लड़के का मैं क्या करूं। परेशान क्यों हो जी? डांस डांस राजा डांस, वो भी पागलों का डांस। ये लड़का तुम्हारी भी तो नहीं सुनता, और ज्योतिष ने कहा था कि इसकी कुंडली में दोष है, इसके साथ रहने वाले का भी टाइम खराब है।
अब तुम ही बताओ, इस तरह नाचने से सब ठीक हो जाएगा क्या? हा? सिर्फ 3 महीनों की बात है, उसे जो करना है करने दो। सबको तुम्हारी जैसी माँ मिलनी चाहिए। नाचो बेटा, खूब नाचो। पढ़ाई तो इस डफर से होती नहीं। इतनी बार नौकरी दिलाई मैंने, लेकिन ये गधा एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया। डांस करना है इस पगले को। वॉचमैन की नौकरी दिलाई थी। हाँ साहब। ड्राइवर की नौकरी दिलाई थी। कोई पहचान ना ले, इसलिए इसे कपड़ों की दुकान में भेस बदल कर पुतले की भी नौकरी दिलाई थी। उस दिन स्कूटर से घर आ रहा था, क्या देखता हूँ तुम्हारे लाडले ने रास्ते के बीचों बीच तमाशा शुरू कर दिया था। फिर जैसे तैसे इसे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी दिलाई, वो भी तो इस नालायक से नहीं हो पाई। क्या करूँ इस लड़के का, मैं इसकी हरकतों से थक गया हूँ। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। कहा ना, सिर्फ 3 महीनों की बात है। भारती, तुम नहीं जानती, मैं इसके दोस्तों से मिल चुका हूँ। अगर ये पागल है तो वो लोग महापागल। हो सकता है उनकी कुंडली में भी दोष हो। तो फिर कह दो कि उनका साथ छोड़ दे, हो सकता है शायद उनका भला हो जाए। तो क्या, देखो मेरे बेटे को दोष मत दो। बचपन में कितना होशियार था हमारा बेटा, आप भूल गए क्या? कोई भी रेस हो, हमेशा फर्स्ट आता था हमारा बेटा। वो चमचे वाली रेस जिसमें नींबू रखना होता है उसमें भी फर्स्ट, इडली खाने की रेस में फर्स्ट, फिर भी आप हमेशा उसे डांटते रहते हो। देखो आप मेरे बेटे की बुराई मत करो। हाँ सुनिए सुनिए ना। माँ, हाँ? I think he is angry with me. तू अपना जी छोटा ना कर बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। अरे माँ, बस 3 महीने गुजरने दो, उसके बाद उन्हीं के स्टाइल में उनके सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है, फटाफट मुझे डोसा दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये है पागल नंबर 2, जिग्ना यानी जिग्नेश। આવો ને ભાઈ, આવો બેસો ને, આપણું જોટલ છે, જમીને જાજો, પેટ ભરીને ખાઈ લો, આપણું જોટલ છે। એ ભાવેશ બાપે ફડકા મારને, અચાર તો જુએ ખા ગયે ને, ચિકન લે લે ને, ઇસકે પૈસે નહીં હૈ મેરે પાસ, નથી તારી પાસે, પૈસા નથી, પેટ ભર કે ખા લે ને જા બાબા। અરે બેંગન લાના, બેંગન મેં વિટામિન નહીં હોતા મેરે ભાઈ, ઇસકો ફિશ દે દેના। बैंगन में मोटा मोटा कीड़ा पड़ गया मेरे भाई, बैंगन नहीं खावानू है। अरे दे देना। परसों वाड़ू दही छे, चाल से। जूस पी लेना, मैंगो वाला, मौसमी वाला। हाँ, पार्सल दे देना। हाँ, अपनी माँ के लिए ले जाना, बीवी के लिए ले जाना, जितना चाहिए ले जाना, पैसे मत देना बिल्कुल, नहीं चाहिए मुझे। देना उसको, ए चावल देना उसको, आपो चावल नहीं साथ फिश करी, आपो ने आपो खा लो तुम। ये काफी है या और मार खानी है? बाप की दुकान है जो सबको फ्री में खिलाएगा। तुझे पता भी है 1 किलो चावल का दाम क्या है? लोग तुमसे दाल मांग रहे हैं और तू उनको हलवा खिला रहा है। कस्टमर ने खुश कर रहा था। फ्री में खिला के उनको खुश करेगा, पागल है क्या? नहीं, जा जाके बर्तन धो। एक दिन तेरे मटके को ही धोना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, वापस रखो। हाँ तय, मुँह न लगा। कितना हुआ ना? ये बताइए क्या खाया आप? दही चावल और फिश फ्राई। तो उसका हुआ 300 रुपए। अरे वो तो बोला था फिश फ्राई फ्री में। वो तो पागल है, आप पैसे दीजिए। छोड़ेगा मुझे, भूख नहीं मारे, पेट में चूहा दौड़ी रहे ऐसे। थोड़ा कड़ी भी ले लो। नहीं चाहिए। तो थोड़ी दाल लेकर उसके साथ खाओ। नहीं चाहिए, मेरे को बोला ना मैंने, जाओ। अरे सुनो, थोड़ा चिकन फ्राई परोस दो। 2 चिकन पीस की कीमत? तुम क्या जानो रमेश बाबू, अपने यहाँ 12 लोग काम करते हैं। अरे के लिए 2 पीस यानी काउंट कर लो कितना होता है, 24 पीस होता है। कैसे चिकन फ्राई खा लो, जानते हो कितना महंगा होता है? अगर मैंने खा लिया तो बाकी लोग क्या खाएंगे? मेरी वजह से तुम्हारा घाटा होगा ना, जरा समझी ना बात करो। कस्टमर ने क्या खिलाओगे, ऊपर जाके मैं क्या कहूंगा, इसलिए चावल खा रहा हूँ। चिकन फ्राई देने की बात बेटा, मैं तुमसे थोड़ी देर पहले पता नहीं क्या क्या बोल गया बेटा, तू उसे दिल पर मत लेना। इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। खा बेटा, पेट भर के खाना। ओके, अपने हाथ से खिला बेटा। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? आज तक मेरी माँ ने मुझे खिलाया नहीं, तू कौन से खिलाने वाला है? खिलाने नहीं, मेरे को खाने का नहीं। खिलाने दे ना बेटा। नहीं खाने का, जाना अभी। खिलाने दे, मेरे को ये चावल खाने का ही नहीं है। बारह लोगों का स्टाफ है और यहाँ एक ही थाली में 12 चिकन फ्राई। मैंने तो सिर्फ चावल लिया था, मुर्गी कैसे गया पता ही नहीं। अच्छा, उसके आगे क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था भाई, जितना चिकन का पीसेस लिया था उससे दुगना मार पड़ा ने मेरे भाई। क्या बात कर रहा है, उसने तुझे मारा?
फिर क्या, मेरे को सिर्फ मार के उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मुर्गा बनाया। चिकन फ्राई चाहिए तुम्हें? नहीं। कुकड़ू को बोल, कुकड़ू को। कुकड़ू को को। नाच के दिखा, मुर्गे जैसे नाच। नहीं, कुकड़ू को। नाचता रहे। रुक मत, नाचता रहे। इधर आ। अबे चू यार। अब पता चला तुझे मुर्गा बनना कितना मुश्किल है? अब बता मुर्गा कहाँ से बांग देता है? कुकड़ू को। आगे से कभी चिकन खाएगा? नहीं खाता मैंने। हाँ कसम। आज से मैं मुर्गी को देखूंगा भी नहीं। अरे मर रे। ये है पागल नंबर थ्री, मुंगेरी दास भोला। इधर अबे। बैठे बैठे गला सूख गया है। तो मैं क्या करूं? जल्दी से मेरे लिए क्वार्टर ला। क्वार्टर के साथ सोडा चाहिए क्या? हाँ, और चखना भी ले आजा। मेरा वाला एक पैकेट सिगरेट लाना। क्यों, बीड़ी नहीं चलेगी क्या? हाँ बीड़ी भी चलेगी भाई। चल देखिए सिगरेट पिएगा। नमस्ते। यहाँ आसपास कोई क्लब है? क्लब है ना, इस एरिया में एक ही क्लब है और जबरदस्त क्लब है। शौचालय के पीछे पता है वो किसका क्लब है? किसका क्लब है? वही अपने तोंदू भाई, नागेश भाई, उन्हीं का क्लब है। वो यहाँ नहीं आते, जरूरत ही क्या है? वो कहते हैं कि तू ही संभाल, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सब बिंदास है और पुलिस वाले भी मेरे दोस्त हैं, सबको सेट कर रखा मैंने। अच्छा। वो भी कहते हैं कि जब तक तू है उन्हें भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। यहाँ के पुलिस वाले तुम्हें क्या बुलाते हैं? मुंगेरी भाई। मुंगेरी भाई। और अगर उन्होंने भाई नहीं जोड़ा तो मैं खाली नजरों से ही उनकी पैंट गीली कर देता हूँ। अपनी बहुत वट है यहाँ पे। क्लब का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस? बचपन से आज तक किसी चीज का लाइसेंस नहीं बनवाया। बात करते हो लाइसेंस की। लाइसेंस किस चीज के लिए? अरे जब पुलिस अपनी जेब में तो लाइसेंस क्यों चाहिए? पुलिस वाले प्यार करते हैं मुझसे, पप्पी झप्पी भी देते रहते हैं। मैं शर्मा जाता हूँ और कहता हूँ नहीं नहीं मत मत करो। कितने लोग आ रहे हैं क्लब? तीन लोग। ओह, एक टेबल पर चार लोग बैठ सकते हैं ना, तो एक को और बुला लो ताकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो समझे ना? ऐसे क्या हाथ लगा रहे हैं? ठीक है, इसी एरिया में कोई मुझे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। बहुत इज्जत है अपनी यहाँ। आगे से ऐसा मत करना। वैसे खेलना तो आता है ना, और आगे से भाई बुलाना। अब चलो आओ। यही स्वर्ग है यही नर्क है, कर ले बेटा मौज मन की। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, एंजॉय। दरवाजा बंद करो। दरवाजा क्यों बंद करवा रहे भाई, ये क्या है? नीचे बैठ। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सिट डाउन। चीटिंग क्या है बता? तुम वर्दी पहन के नहीं? वर्दी पहन के आते तो तू हमारे हाथ लगता क्या? मुंगेरी भाई बैठ जाइए। मुंगेरी भाई मार खा चुका हूँ तो बैठा नहीं जा रहा है। बैठ बे। काम चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना हो, पकड़े जाने पर जब फोटो खींचती है तो हमेशा स्माइल के साथ ही खिंचवानी चाहिए। मुँह मत लटकाओ अपना, स्माइल करो। ये है पागल नंबर फोर, ये कोई छोटा मोटा पागल नहीं है, पागलों का महागुरु है शेखर अन्ना। काट 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 तेरी तो, तुझे समझ में नहीं आता तूने गॉगल्स क्यों निकाल लिए? मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो लगा बारिश होने वाली है, निकाल फेंका। डायरेक्टर तू है या मैं? ऐसे क्यों खड़ा है? सोचा रजनीकांत के जैसा एंट्री करूं। थोड़ा आ गया। कैमरा पहली बार देखा है क्या? नहीं सर, देखा है ना। कभी? मेरी शादी में। तेरी तो ये शादी नहीं सिनेमा है। तूने नाटक में कभी काम किया है? कौन सा नाटक? तुम कब मरेगा बे पागल? नाटक जी। क्या कहा? तेरा जनाजा अभी लिख रहा हूँ, ये अब तक का 56वां नाटक है। अच्छा, तो फिर नाटक का कोई डायलॉग बोल। तेरी जात का बैदा मारू फटी चल के। तू टके के जलील इंसान, अपने आप को हीरो समझता है क्या रे? डाल तो पूरा कोई था अपना। ये क्या था? डायलॉग है सर। ए चुप, तुझे पता है ये कौन है? ये कौन है सर? ये हीरो है। ये तो सीक्रेट फिल्म का हीरो लगता है। और ये पिक्चर की हीरोइन है? पावली कम लग रही है। और तुझे पता है ये कौन है? ये हमारी फिल्म का प्रोड्यूसर है। सर प्रोड्यूसर तो स्टेशन पर लॉटरी बेचने वाला लग रहा है सर। अरे तो उनकी शक्ल पे मत जा, अपनी अकल लड़ा। एक्टिंग आती है क्या? सर आती है सर। कड़ी धूप में शूटिंग करनी होती है। जानता हूँ। कल राजस्थान में शूटिंग है, आओगे? हाँ ऊंट पे आऊंगा सर। चुप। पता भी है राजस्थान में कितनी गर्मी होती है? कहता है धूप में एक्टिंग करूंगा। ठंडा तेल लगाऊंगा सर। अच्छा। हाँ। हम कुछ करते नहीं हूँ,
पूरा दिन बस सिनेमा सिनेमा करते रहते हो। सिनेमा से क्या तुम्हारा घर चलेगा? जाकर कुछ काम ढूंढो। अरे मर ले रे। पीछे लो। अरे उसको एडजस्ट करना अंदर। चल चल। मुंह इस तरफ रख, उसको तकलीफ होगी ना। इधर क्या मुंह करना, उधर मुंह करना। और इसको थोड़ा सही से सेट कर। चलो रे चाय पी के आते, एकदम फिट। एंजॉय, अब आएगा असली मजा। हाँ बस रोक दे। यही रोक। चल। आ गया ना, चल चाय पीते हैं। हाँ चल चाय पीते। क्या रे, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं काई नहीं। ये कौन है? तेरी तो इतने स्टाइल में चल रहे थे, गिर के साफ गड़बड़ कर दिया। मेरा पैर खुद से टकरा गया। मारने जा रहे तो स्लो मोशन में जाना चाहिए ना, थोड़ी स्टाइल बन जाती। यस। राजा जा तो। शेखर अन्ना, क्या है ना, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। जो करता हूँ वो उल्टा ही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को जाना चाहिए। जिग्नेश मुंगेरी, तुमको मौका देता हूँ। गुरु तू है ने, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे शर्मिंदा मत करो। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बताओ ना, मैं देखूंगा। अच्छा ठीक ना मुन्ना, ये हमारी इज्जत के सवाल है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हट सकते। थोड़ा सा मुझे भी दे दे। हाँ ले, तू भी ले ले। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो मेरा डायलॉग था। पहले सुन तो लेने, बाद में बात करना था। हाँ, हाँ। अगर किसी निर्दोष को मार रहा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले इसको तो छोड़ दे। हाँ। अरे इधर धूल क्यों झाड़ रहा है, चल। कम ऑन। दोनों तो जम के फर्ता बना रहे हैं उनका। हाँ, हो गया, बस हो गया, आजा। हाँ, बहुत हो गया, आजा। कोई कमजोर है तो उसे इतना पीटोगे क्या रे? वो बुला रहे इसलिए जा रहा हूँ, वरना छोड़ता नहीं। आजा, 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 कमान, कमान। आज तू बच गया, वरना पोस्टर बना के चिपका देता। दोबारा किसी को एरिया में मारे ना तो जिग्नेश भाई से बुरा कोई नहीं होगा। ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है, अभी लेटेस्ट रेडियो पे सुना था। चल निकल अबे। आ भी गया ए उन जीव ने काटी है। अरे सोचे नहीं करते तो आज भुर्ता बना देता। क्या मारा है यार तुमने, जल्दी बुला लिया वरना छोड़ता नहीं मैं। भरता कीमा कबाब सब बना देता। उनको मारने के बाद मेरे पेट में जो ही मारा मारी करें। अरे अरे आ गया। चल 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 हेलो भाई, चल चल भाई। क्या हुआ शेखर अन्ना, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? गियर में तो डाल। छे स्टार्ट नहीं हो रही है तो गियर डालना वेस्ट है भाई। तो मैं पीछे से जाके धक्का दूं क्या? ओ छे नई गाड़ी है, खटारा स्कूटर नहीं है। ए राजा, लगता है उनकी पूरी फौज हमको खत्म करने के लिए इधर ही आ रही है। शेखर अन्ना, इन पर धूल उड़ा कर यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, यही करते हैं राजा। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर वरना हालत खराब हो जाएगी। अरे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे यार, अगली बार जब पीटने जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट रख के ही जाएंगे। हाँ पापा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा किसने मारा तो अपना हाथ ऊपर करना है। मेरा सच्चा है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना तू, बलिदान देने के लिए। चुप कर, मैं तेरा हाथ ऊपर कर दूंगा। अरे कोशिश करना स्टार्ट करने की। हां ले भाई, पड़ेगा रे। चुप क्या रहे बे, बाहर निकल। 25 पैसे नीचे गिर गए थे, उठा रहा था। सुना नहीं, नीचे उतरने को बोला है। किस लिए? तू उतर जाना। मारा तो तुम दोनों ने था। मारने के लिए तुमने बोला था। मैं कूदने को बोलूं तुम कूद जाओगे? तू बोल के तो देख। अब ज्यादा शान पति मत दिखाओ, तुमने जो किया है ना अब भुगतो उसे। ऊपर जाने का टाइम आ गया, चल उतर नीचे। मेरी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं मार रहा। गेम चल भाई। चौथा किधर है? ए निकल। अरे जरा हल्का तो होने दे, आता हूं ना।
यार इतनी तो शराफत रखी होती बता देते ना कि तुम सिर्फ दो नहीं हो, तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी फौज भी है तो हम क्यों तुम्हें मारते यार। क्या है ना, हमारी यहाँ पर बहुत इज्जत है, कहीं और चलकर मारिए ना हमें प्लीज। अपना विजिटिंग कार्ड दे दो ना, हम मार खाने वहीं पहुंच जाएंगे। और इसको भी ले ये चल बस करो रे, ले ये पकड़, अगर वो नहीं आए ना तो तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। ची, 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 ची। एक बार कमिटमेंट की तो हम खुद की भी नहीं सुनते, अगर नहीं आए तो हमें ऊपर टांग देना या फिर हमें जमीन में गाड़ देना। क्या डायलॉग मारा है राजा, आगे बोल आगे बोल। अपने दिल पे हाथ रख के वादा करता हूँ, इनके विजिटिंग कार्ड पर जा करके मार खानी है राजा, इतना डायलॉगबाजी की जरूरत नहीं है, ओवर एक्टिंग मत कर, शर्ट ठीक कर। हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग के बाद से है तू। आपके बताए पते पर आ जाएंगे मार खाने। ओके। हाँ, पहुंच जाएंगे। अरे मर ले रे, अरे मर ले रे, अरे मर ले रे। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे यार, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरी जिंदगी में पहली बार विजिटिंग कार्ड मांग कर मार खाने के लिए गए पापा। बड़ी हंसी आ रही है तुझे, पहली बार विजिटिंग कार्ड मांग के मार खाने गए। क्या करें यार, ज्योतिष ने कहा है अगले तीन महीने मेरे लिए बहुत भारी है। अरे छोड़, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? जब देखो एक ही डायलॉग मारते रहते हैं। तुझे किस वालों ने बताया कि तेरा टाइम खराब चल रहा है, एक बार मिला दे धो डालूंगा उसे भी। ये बेचारा भी क्या करे, ज्योतिष ने बताया वो जानता है मैं मार सकता हूँ। पता नहीं जिंदगी में कभी मच्छर भी मारा है कि नहीं, इसलिए मेरी बात मानो, हम लोगों को डिफेंस सीख लेना चाहिए। कौन सिखाएगा? अरे मैं। मार खाना सिखाएगा? अरे नहीं यार, मारना सिखाएगा। वो कैसे? मैं चल पीछे, देखो आज से मैं तुम लोगों का गुरु, तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे तुम लोग, समझ गए ना तुम लोग? तो चलो पैर छुओ जल्दी। ये कौन सा स्टंट है? रूसली को याद करा था। अच्छा अच्छा। देखो किसी को मार गिराना इतना आसान नहीं होता है। अरे तेरा दिमाग खराब है, मेरी तरफ ध्यान से तो देख। ओके ओके, अब ठीक से देखना। ओके। मारना एक कला है पता है, मुश्किल है पर सीख जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, उधर खड़ा और देख। अब सुनो, जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा करना। तो मान लो हम पर किसी ने अटैक किया, तो पता है क्या करना चाहिए? ये बात तुम्हें आज तुम्हारा गुरु सिखाएगा। तो जब मैं एक बोलूँ तो तू मारना, और जब दो बोलूँ तो तू मारना। एक। इतना आसान नहीं है ये, बस अब तुम लोग धीरे धीरे जल्दी एक कला सीख जाओगे। हाँ, एक बोलूंगा तो तू मारेगा, दो बोलूंगा तो तू मारेगा। एक, दो। अरे क्या कर रहा है? अरे चीटिंग है। अरे रुक जा, मैंने एक कब बोला था? देख ऑपरेशन हुआ मेरा। तुमने तो कहा था कि जैसे ही दो बोलूंगा मार। अरे मारने के लिए बोला था, कहीं भी नहीं, जान बचा नहीं तो मारेंगे ना। गुरु मैं हूँ, मैं तय करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट विलन सामने से आ रहा है, तो जब विलन सामने से आएगा तो क्या करोगे? भाग जाएंगे। तुम्हारी तो है? विलन को देख के कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा उस पे अटैक करना चाहिए। अब समझो मैं विलन को मारा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तू विलन है। अरे तो जब मारने को कहूँ तब मारना। ठीक है, मारता यार, समझाई नहीं करना। ठीक है ठीक। अब मान लो अगर मैं अचानक से तुम लोगों के सामने आ जाऊँ और मैं विलन हूँ, तो बताओ तुम लोग क्या करोगे? जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। मैं विलन हूँ, बताओ। अरे क्या कर रहा है? कैसे लगा? ये कौन आया? ये लोग वापस आ गए। हेलो, कहाँ हो तुम? वो यही है, जल्दी आ जाओ। कौन है? कहाँ है वो? वो बस अभी आ रही है यार। ये तो भारी लग रहे हैं। नहीं सुन, मैंने जो ट्रेनिंग तुम्हें दी है उसको याद रखना और उसका इस्तेमाल करना। अच्छा, लेकिन ये कौन हो सकते हैं? चाहे कोई भी हो, मैं नहीं मार खाने वाला हूँ। बापू विजिटिंग कार्ड मांग ले। विजिटिंग कार्ड का शौक है क्या तुझे? अभी हम लोग कुछ नहीं करते, अभी शांति से काम लेते हैं। मेरा तो शांति के साथ ब्रेकअप हो गया। कब हुआ? चुप। क्या बात कर रहा है तू? पता नहीं मेरे तीन महीने कब खत्म होंगे। पहचाना क्या? नहीं, कौन हो तुम? Oh my God, तुम मुझे इतने जल्दी भूल गए क्या? सच सच बताओ, तुम मुझे नहीं पहचानते? बोलना। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। झूठ मत बोल। क्या हुआ? क्या हुआ? हम देता? अबे ओए, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। ऐसे मत देखो मुझे, सच कह रहा हूँ, मैंने इसे पहले नहीं देखा। सॉरी सॉरी। देखो मैडम, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज ऐसा मत कहो, सबके सामने इस तरह मेरी इज्जत मत उछालो।
मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, प्लीज तुम्हें हमारी प्यार की कसम। इसका दोस्त 3 महीने में क्या 6 महीने में नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ ना। आखिर चल क्या रहा यार, ये तो बता। ऐसा लग रहा जैसे टीवी पर डेली सोप देख रहा हूँ। तुझे यहाँ भी टीवी नजर आ रहा है? प्लीज याद करो वो दिन जब चौपाटी पे तुमने मुझे ढेर सारी पानी पूरी खिलाई थी। अब ये मत कहना तुम्हें याद नहीं है। देखा इसकी पोल खुल गई, इसने पानी पूरी खिलाई थी। पानी पूरी खाने के बाद जब हम पानी में गए तब तुम मुझे उठाकर पानी में इतने 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 अंदर तक ले गए, याद है ना तुम्हें? पानी पूरी खाने के बाद इसे पानी में क्यों ले गया? पानी पूरी और समंदर के पानी को बैलेंस करने के लिए। कुछ समझ में आया? तू अपनी बकवास बंद कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, इसने तो मेरे लिए भगवान से मन्नत भी मांगी थी। दारू का बंगला, मतलब भगवान से दिल की मुराद रहे। आगे बोलना क्या बोल रही है ये। और फिर उस दिन मुझे मंदिर में ले जाकर रुद्राभिषेक भी कराया था, उसके बाद खाओगे ले ले जाकर मसाला डोसा नहीं खिलाया? मसाला डोसा? और इसने आज तक हमें तो कभी कुछ नहीं खिलाया। तेरे को पिज्जा खिलाएगा, पिज्जा खाने से मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। प्लीज जानू, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगी। मेरे पापा तो मेरे लिए दूसरा रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। प्लीज मुझे स्वीकार लो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम? मैं कसम खा के कहता हूँ मैं आपको नहीं जानता। मैं तो आज पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। अरे तुम लोग तो मानो, मैं आज पहली बार इससे मिल रहा हूँ। क्या कहा? तू इससे पहली बार मिल रहा है और इसे जानता भी नहीं? और ये कब से कह रही है कि तुम एक दूसरे को चाहते हो? अब सुन, मैं ये बात इस लड़की से कहता हूँ। हे सुंदरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तू भी मुझसे पूछ ले। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझसे पूछूं? पागल कहीं का। तू पगली बन जा मेरी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? नहीं मानूंगा। मतलब मैं सब झूठ बोल रही हूँ? ठीक है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विठल दास भोला। तुम्हारा? शेखर रमन सुमन अय्यर। और तुम? जिग्नेश शाह नाम है। मैं इन सब का नाम डालकर ना सुसाइड नोट लिख दूंगी। सुसाइड की बात कर रही है? लड़की है क्या? अरे रोक, उसे ऐसे मत कर ले दे। अरे मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये कौन है। अगर इसने सुसाइड कर लिया तो हम सब जेल चले जाएंगे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। चलती हूँ मैं। हाँ तुम अपना ख्याल रखना। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। अच्छा रुको 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 रुको, सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, प्लीज ऐसा मत करो। आप अच्छे घर की लड़की लगती हो। थैंक्स राजा, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? बस एक चुटकी भर सिंदूर चाहिए मुझे, गहनों की उम्मीद नहीं है। पीले धागे वाला मंगलसूत्र भी चलेगा। अरे तो सस्ते में मान गई यार। हमना जाओ ने। आओ है? चलते हैं। आओ जानू, चलते हैं। राजा बेचारा आदमी भी कैसे फंस जाता है ना। आज तो बेचारा है इसलिए फंस गया, होशियार होता तो भाग जाता। Yes, success. अरे हंस क्यों रहे हो? क्या हो रहा है भाई? Oh my God, हमने तुम्हें कितना बड़ा बकला बनाया। I'm sorry, 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 sorry राजा, हमने तुम्हें बेवजह परेशान किया। वो क्या है ना कि प्रोफेसर ने कॉलेज में हमें एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था, इसलिए तो तुम्हारे साथ ये मजाक करना पड़ा। सॉरी राजा, पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा? जब पता चला कि लड़की जान देने वाली है, तुम तुरंत मेरे साथ आने के लिए मान गए। सच में दिल जीत लिया मेरा। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी राजा, बुरा मत मानना। हाँ बाय। यू आर सो क्यूट, बाय। राजा की बात लगा रही है। How
सिंगारा मन से बंगारा पिंगारा बन्ना दंजी मोने ने तू ये ना सर सर पोपिना सड़गर दादना फिर फिर तू पुरानो तू सत पोये ना कर पुरा दब में ये ना ले आये ना पुन्नु माय कदा मिंची द कैले मैंने कभी सोचा भी नहीं कि जिंदगी में ऐसा भी होगा। चुप हो जाइए, ऐसे रोइए मत। मैं रोऊ नहीं तो और क्या करूं बताओ। देखिए सब ठीक हो जाएगा जी। ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? पहले तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, अब इतनी सारी धन दौलत है, कितनी सारी शानो शौकत है, गहने गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं, सब कुछ एक झटके में कैसे दे दूं तू भी बताओ। भाग्यवान 500 और 1000 के नोट भी एक झटके में बंद लुट गया। भाई जी जरा उन 500 और 1000 के नोट को एक गोनी में डालकर दे दो मुझे। क्यों? समंदर में विसर्जन कर देता हूँ, झंझट ही खत्म। तो एक काम कर, एक गोनी और ले आ। पर क्यों? तुझे भी उसमें बंद करके फेंक देते हैं। इतनी मेहनत से पैसे जुटाए मैंने, सारे पागल मुझे ही क्यों मिलते हैं? मालिक एक और गुड न्यूज है, वो जो नए 2000 के नोट आए हैं ना वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे। अरे ये क्या क्या घूसा मारा है, खून निकल आया। अरे ये खून नहीं है बाबा, रिप्ले देखेगी क्या? तो ये देख। अबे उल्लू का पठा पहले नहीं बता सकता था कि पान खा रहा है। लो वो आ गया, जल्दी मुसाफ कर। अबे जल्दी साफ कर। अरे आइए 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 दामाद जी, आइए आइए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। खुश हो बेटा। अगर धन संपत्ति की तुलना की जाए तो हम दोनों को तुम्हारे पैर छूने चाहिए। क्यों? सही कहा ना। अब बैठो बैठो बैठो। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होकर, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक होने के बाद भी तुमने हमारी बेटी से शादी करने का फैसला किया, ये हमारा सौभाग्य है। क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य कि आपकी बेटी से मेरी शादी हो रही है। सच बात तो ये कि आज मैं बहुत खुश हूँ। अंकल साक्षी कहाँ है? हमारे बहुत पुराने नौकर हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी हिलने डुलने वाली कमला। समझो ये हिलते डुलते ही पैदा हुई थी। उस दिन गेट पर खड़ी रहकर इशारे किए तो दो लोग सीधे घर के अंदर ही आ गए। दोनों बहुत ही वफादार हैं। मेरी बेटी साक्षी का ये दोनों बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मिलो, ये है मुन्ना। ये तो बड़ा हो गया। बचपन में नाम रखा था ना? हम दोनों ने इसे कभी नौकर समझा ही नहीं, हमेशा से ही बेटे की तरह पाला है। संतू सुनो। हाँ 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 हाँ। अरे 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 नहीं अंकल, मना मत कीजिए। बहुत करो बेटा। ए मुन्ना इधर। आज तो हमारे भाग खुलने वाले हैं। ये ले, याद रखना इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर खर्च करना, समझा? चला पीछे हो जा। और चाहिए क्या? हाँ इतना बस है, अब जाओ। रहने का इंतजाम हो गया आपका? आप ही ना। क्यों, क्या हुआ? अरे ये घर इनका ही तो है। ओ अगल साक्षी के... साक्षी कॉलेज गई है बेटा। एक मिनट रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। हाँ रहने दीजिए, रहने दीजिए। वो आ गई। ये लो आ गई बेटी कॉलेज से। हाय पापा। हाय बेटा। हाय मम्मी। देखो बेटा, देखो कौन आया है। हाय। हाय। थोड़ी देर बैठो ना। पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे बेटा
पापा मुझे आराम करना वो हाँ। उसके सर में दर्द है, रात भर सोई नहीं ना इसलिए। अंकल ऑफिस से फोन आया है, मैं जरा बात कर लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, करो करो। हाँ जी बोलिए बोलिए। ओ अच्छा, उन्हें वहाँ बैठाइए, मैं बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, ठीक है? उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, ओके? अंकल ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे काम पहले बेटा। अच्छा चलो संभल के जाना बेटा। अरे बेटा फिर से क्यों पैर? अंकल वो मेरा फोन। अगली बार आऊंगा तो ये 2000 के नोट मुझे दिखना चाहिए, समझे? मैं बार बार नहीं दूंगा, बजट भी देखना पड़ता है। देख तुझे मैं यहां नहीं लाया, तेरी किस्मत लाई है। वैसे तो मैं बहुत सीधा आदमी हूं, पर कोई मुझसे भिड़े तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई टेंडर को लीक करने की? एक बात बोलूं, मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं कैसे भी हासिल कर लेता हूं। कभी मत लेना, टेंडर मेरा ही होगा, जो भी मेरे रास्ते में आया उसका मैं यही हश्र करूंगा। अरे यार कल शाम से राजा नजर नहीं आया, कहाँ चला गया, कुछ पता है क्या? मैंने पर ऐसे ही लगता है कि उसको प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं, नहीं वो ऐसा लड़का नहीं है। तेरे को क्या पता कि प्यार क्या होता है? ना पता है, नहीं बोलता रहता है। मुझे लगा था इसकी कुंडली में दोष है, लेकिन इसकी तो किस्मत पलट गई यार। आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मान गए गुरु। जो यूं एक दिन लड़की इन है। भाभी को नमस्ते बोलते हैं। हाय गाइस। हाय। उस दिन मेरी बातों का बुरा नहीं लगा ना? उस दिन प्रोजेक्ट वर्क में मेरी जिस तरह से तुम लोग ने हेल्प की थी ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। पर मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों को ठीक से थैंक्स बोला ही नहीं ना, एड्रेस नहीं था ना मेरे पास। शर्मिंदा मत करो। इसलिए थैंक्स बोलने के लिए जब मैं घर से निकली, ये महाशय दरवाजे पे खड़े थे, इसलिए हम लोग साथ में ही आ गए। मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, पानी पूरी खिलाई, मसाला डोसा खिलाया और मंदिर भी ले गया, फिर एक चीज डोसा, पेपर डोसा, सब कुछ खिलाया, फुल टू पार्टी दी। अरे राजा थोड़े से पैसे दे रहे हैं? क्यों? मुझे एक लड़की को वड़ा पाव खिलाना है। यहाँ जूते पॉलिश करने के पैसे नहीं है, बड़ा आया वड़ा पाव खिलाने वाला है। सपनों को चकनाचूर करके जा रहा है। अरे गुड न्यूज बताना तो भूल ही गई। उस दिन का जो प्रोजेक्ट वर्क था ना, उसमें मैं फर्स्ट आई। वो तो आना ही था, आखिर कितना परेशान किया था इसे। साक्षी द स्पिरिचुअलिटी द इंटीग्रिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो भी डाल देना वरना अंधेरा दूर कैसे होगा। साक्षी कंगारू का कंगारू क्या हो? हकला क्यों रहा है? सीधा बोलना बधाई हो, इंग्लिश में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरी इंग्लिश तेरे बस की बात नहीं। थैंक यू। लगता है बकरा जल्दी कटेगा। हाँ और काटने से पहले उसे खिलाते अच्छा खासा है। राजा हा? तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये एक लौता बेटा है, इसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हाँ हाँ समझ गई। बस कर वरना हीरोइन रो पड़ेगी। अबे ओवर एक्टिंग की लिमिट तो रख।
ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई आज मेरी फ्रेंड दामिनी का बर्थडे है। तू क्यों चल रहा, तुझे साथ में नहीं लेके जाएगी वो? वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे अब जाना होगा, प्लीज। मेरी तरफ से उसे विश करना, बर्थडे तो वो हर साल आता है। पर तेरा नंबर नहीं आया, बेकार विश मत कर, जाने दे। ओके ओके, बाय फ्रेंड्स, शाम को मिलती हूँ। दरअसल कल मेरा भी बर्थडे है। कल बर्थडे है, फिर तो मुझे पार्टी चाहिए। कल मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हें विश करने आएंगे। बड़े होटल में पार्टी चाहिए, कोई छोटे ढाबे में नहीं चलेगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, चलती हूँ। बाय बाय। कल इसका दीवाला निकलने वाला है मेरे भाई। देख वो घास डाल के गई यार, अब तो तुझे कल खिलाना ही पड़ेगा। और वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ पूरी पलटन आएगी। मतलब पार्टी तो गया देगा। मेरे पास पैसे नहीं है यार। एक आइडिया है मेरे पास, तो दोस्तों कल हम पार्टी देंगे। दामिनी आएगी? नहीं दामिनी नहीं, तो कोई और आएगी। दामिनी दामिनी है। पार्टी में जाने के बाद जब बिल आएगा तो हम बर्तन धोएंगे। ऐसे तो लड़की भाग जाएगी। और तू इसकी शादी में भी बर्तन धोना। बालों की सेटिंग खराब मत कर। ये सब क्या बोल रहे हो यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राजा तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, चलो रे चलते। कहाँ? भीख मांगने। हाँ? भीख मांगने तो पैसे कहाँ से आएंगे? ज्यादा सवाल मत करो, चलो चलते काम पे लगो। चलो, लगता है कोई खास आइडिया है इसका। एक और मुसीबत। स्वामी जी, अरे क्या जल्दी है तुझे? आपको शर्मिंदा कर रहे हो। ये गुरुजी नहीं है क्या रे? ये गुरुजी, ये गुरुजी का चेला है। चेला? ये गुरुजी के चेले हैं। हाँ, शकल देख के अकल की बात कर। हरिओम। मेरा नाम कितने से? ये उनका नाम नहीं है, दिमाग से पैदल है तू। क्या आपको गुरुजी से कोई बात करनी है? उनसे कहना कि मुंगेरी भाई आए हैं, वो समझ जाएंगे। अब जाइए आप लोग, यहीं रुकिए। अरे देख के जाओ भाई, टूटा नहीं। ये नाच रहे वो गुरुजी है क्या? ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये क्या नौटंकी चल रही है? ऐसे एक बाबा टीवी में आता है, प्रोग्राम करते हैं। मैं भी दूर चुप कर, मैं भी करूं। बड़ी मुश्किल से यहाँ का अपॉइंटमेंट मिला हमें, बात करते हैं। तुझे पता ना हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि कल तुझे उन सबको पार्टी देनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसी का इंतजाम करने आए। इसका मतलब पैसे जरूर मिलेंगे? मिलेंगे ना, पैसे की आशीर्वाद। आई जो हाथ लगा के हमको बुला रहे। अरे नहीं, क्या? ये एक तरह का आसन है, और देख कितना आसान आसन है। ऐसे तो नाग देवता को बुला रहे लगता है। गुरु जी इनका क्या करना है? मंदिर भेजो, इन्हें निद्रासन में भेजता हूँ। अंदर आइए, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। पाउडर लगाओ। अरे पाउडर क्यों लगाएगा, लड़की देखने आई है यहाँ पे। हेलो, जय हो। अरे पहुंच वो तेरा हाथ नहीं पहुंच रहा ना, एक मिनट खिसका। अरे क्या कर रहा तू ये? गुरुजी लगता है ये नाराज हो गए हैं, इन मिर्गी का दौर पड़ गया। चलो नमस्ते करो। नमस्ते। हरिओम। बोलो कैसे आना हुआ? वो आप ही ने कहा था कि अगर हमें 50 लाख कमाने हैं तो हम आपके पास आ जाए, तो हम उसी के लिए आए हैं। ओह धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये सब कौन है? ये सब मेरे दोस्त हैं गुरुजी। ये शेखर और मैं वो शेखर है राजा। गुरुजी पक्का दोस्त है। नमस्ते। Actually we came here so that we can ask some favor from you. क्या कर रहा है, इंग्लिश में मत बोल वरना यहाँ से भाग जाएंगे। सुनो ये पुलिस वाला है क्या? नहीं नहीं, ये पुलिस वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। चुप रहना, बस शकल ही पुलिस जैसी है, अकल तो खाली है एकदम। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, 48 लाख वापस कर देना मुझे, बाकी के 2 लाख रुपए तुम्हारे। ओके ना? अरे सुन, ये कह रहे हैं कि 50 लाख में 2 लाख हमारे। तेरी तो ला, वापस दे से मुझे। उसे बहुत पसंद है। 50 में से 48 लाख मेरे, उसमें से 2 लाख तुम्हारे। नहीं गुरुजी, ये बहुत कम है, हमें कम से कम 6 लाख मिलने चाहिए। खा लिया, वापस देना था। दो, दो। छी छी, झूठा कर दिया। बोर हो गया था। बुर्जी। अंडा। ये लो। जय हो लक्ष्मी। सुनती हो? पारो कहाँ हो? ये पारो कौन है? मेरी धर्म पत्नी का नाम है। पारो बाई। पत्नी नाम बहुत अलग नाम है ना? यहाँ की रहने वाली नहीं है, कोल्हापुर की है, इसलिए हटके नाम है।
अजी पप्पी दे। ओ पप्पी दे। पप्पी दे रही क्या? अरे तुम्हें नहीं रे। पप्पी दे मतलब प्यार से वो मुझे पप्पी दे कहकर बुलाती है। तुम्हें लगा हमसे पप्पी मांग रही है? मैंने तो ऐसे पहली बार सुना है, कभी नहीं सुना। कितने प्यार से पुकार रही है। अरे प्यारी पारो भाई, देख क्या रही हो, मेहमानों की प्यास बुझाओ, बहुत प्यासे लग रहे हैं। आपका मतलब तुझे क्या समझ में नहीं आया? मेहमानों को प्यासा नहीं रखते, और तुम लोग भी हमारे मेहमान हो, अतिथि के आओ भगत के लिए चाय पानी तो जरूरी है। चाय के साथ में बिस्किट बोले? नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए ना। पप्पी दे, तुम जो दोस्त ना बेचारा ना, उनको कौन सा पानी चाहिए? वो मेहमान से कभी ऐसा पूछा जाता? तेरे पास जो भी पानी है लिया, जो पीना होगा वो पी ले। ऐसा कैसा, उनको पूछो ना नारियल चाहिए या मटके का पानी। मटके का पानी, मटके का पानी अच्छा लगे। होटल में पानी अच्छा होता है। बोल तो ऐसे है जैसे मैं तेरा ऑर्डर लेने आई हूँ। गुरुजी, नारियल पानी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बाहर से क्यों मंगाने पड़ेंगे, हमारे बगीचे के नारियल है ना, इतने बड़े। वो क्या है ना गुरुजी, कि आज हम थोड़ा जल्दी में हैं, तो अगली बार जब आएंगे तब पी लेंगे ना, और खूब मजे से पियेंगे। वो तो है। नहीं भाई, पैसे मिल गए ना, चल। चार नारियल रेडी रखे हुए, पी लो। ठीक है, तो फिर दो ले आइए, दो का पानी अभी पी जाएंगे, बाकी का अगली बार, तो ठीक है ना। इतनी दूर आए हैं, मटके का पानी पी कर जाते ना हम लोग। ठीक है, अगर तुझे इतनी प्यास लगी तो पी ले पानी, हम लोग जा रहे हैं। बात तो ऐसे करता जैसे पहले कभी मटके का पानी ना पिया। एक काम कर, बड़ा सा मटका खरीद के ले आ, और दिन भर वहीं बैठ के पानी पीता रहना, खुद भी पीना और पूरी दुनिया को भी पिलाना। काय बंद हो रही, शाम को पी लूंगा। हरिओम। गायब हो गया? अरे हम वो गायब हो गए तो हम भी गायब होते ना। हरिओम। अरे ये तो झूठा है। नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट, किसी का फोन आया। हेलो जी, हाँ मैं मुन्ना भाई बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही 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 का बात, 2 करोड़ की, 3 करोड़, 4 करोड़ की है ना, सही बात है ना। तो मैं बाकी का 1 करोड़ आपको सोमवार को दे दूंगा। अरे हाँ रे बाबा, अरे दे दूंगा ना भाई, भरोसा रखो, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा सुनो, 500 के नोट चलेंगे ना? हाँ बढ़िया, रखता हूँ मैं। मेरा नाम मुंगेरी है। हाँ जानता हूँ। आपने कहा था ना कि ब्लैक मनी को आप वाइट कर सकते हैं, मैं लेके आया। कितने लाए हो तुम? इसमें 50 लाख है गुरुजी। गुरुजी ने बताने की क्या जरूरत है, चुपचाप बैठा रहना। हिस्ट्री क्यों बता रहे? भाई मैं तो करोड़ों में डील करता हूँ, ठीक है। एक बार लाखों में भी करके देख लीजिए। फर्स्ट टाइम हमें 2000 के नोट दे दीजिएगा, ठीक है। अरे लाइए, एक बात बोलूं, आप लोगों को देखकर मुझे दया आ रही है। लाइए आपके पैसे, लाइए। बेटा सर्किट आया जी। नमस्ते। नमस्ते। ये पैसे जरा अंदर पहुंचा दो, ठीक है, और उसके बाद जब बोलो तब आना। चलो ठीक है। ओ, कहां ले जा रहे? मशीन में डालने, गिनने वाली मशीन। विश्वास करना तो सीखो। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, जल्दी बोलो। मैं आप लोगों से कोई कमीशन नहीं लूंगा, जितना दिया है ना उतना ही लौटा दूंगा। आप लोग को देखकर दया आती है मुझे, कितने भोले आप लोग। बचपन से भोले थे। हाँ वो भैया, ट्राइंग टू गिव अ। अरे क्या कर रहा है, गरीब लोग इंग्लिश नहीं बोलते। मेरे पास कई लोग आते हैं वाइट कराने। कपड़े को? नहीं नहीं, पैसों को वाइट कराने। कल देवी श्री भी आई थी यहाँ पर, उनके पैसे वाइट किए मैंने, उनसे कोई कमीशन नहीं लिया। पर उससे कमीशन क्यों नहीं लिया? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ ना, इसलिए। और आज की वो जो टॉप आइटम गल है ना, वो भी आई थी। मैं हमेशा उसके गाने देखता हूँ। बहुत दूर से आई थी वो, बारिश में पूरी तरह भीग गई थी। यहाँ पर वो चेंज करके भी गई। क्या कपड़े? अरे कपड़े नहीं, नोट। ओ, ओ, आप लोग चाय या ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जरा कंट्रोल रख, हमें भी हमारे पैसे वाइट मिलते हैं तो मिलेंगे ना। अपने यहाँ सब काम एकदम इंस्टेंट होता है, जैसे नूडल्स बनते हैं। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं बस अभी आया। ये बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ, बहुत बिजी हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई काम पूरा ना किया। साक्षी की पार्टी धूमधड़ाके से। मैं बस अभी आया। लगता है मुन्ना भाई भगवान के बहुत बड़े भक्त। बिल्कुल, अभी देखा ना उनको, कान पर क्या लगा रखा। बिल्कुल, मैं बस अभी आया। आराम से। मैं बस आया। 500 के नोट अच्छे रहेंगे, बांटने में आसानी होगी। ऐसा क्या? मैं बस आ ही रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मुंगेरी तुम 20,000 ले लेना, ठीक है। जिग्नेश तो 10 ले लेना। चल से 10 में हमारा पति जैसे। कहीं जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। बहुत बिजी है ना? आ रहा हूँ। चुप रहे, वो बार-बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम बैठे बैठे बोर ना हो, बात करता ताकि हमारा टाइम पास हो। आएंगे ना? मैं आ रहा हूँ। एक काम करते, अंदर जाके खुद ही देख के आता हूँ मैं, है ना। काउंटिंग देख के आता हूँ।
मैंने 10,000 वर्ष से बाबा भगवान क्या हुआ क्या क्यों रहा है क्या हुआ अरे क्या बात है कोई बात नहीं अरे क्या बाहर से चिल्ला रहे अंदर आके देखो मैं बस आ ही रहा हूँ वो अपने पैसे लेके फरार हो गया बना मुझे पहले से ही डाउट था अबे उल्लू बना के चले गए तो बोला क्यों नहीं चूना लगा है उसने यार अभी हम लोग क्या करेंगे गुरुजी को फोन करके सब बता देंगे और क्या अरे तो जल्दी करो यार लगा भाई फोन लगा कहां फंस गए यार अरे क्यों तरस रही हो दे दो ना हेलो कौन बोल रहा है कौन पाई जे मुझे गुरुजी से बात करनी है हां पपी दे क्या काम था पेस्ट कंट्रोल पण आता सगळे किडे मेले तुमच्याकडे आ पप्पी दे फोन घ्या तुमच्याशी बोलायचं आहे घ्या ना पप्पी दे फोन आहे फोन जल्दी से फोन दीजिए ना गुरुजी को गुरु हेलो गुरुजी हां विठल बोलो आपने जो अमानत दी थी वो कोई लेकर के भाग गया गुरुजी कौन क्या लेके भाग गया आपके 50 लाख जो आपने हमें दिए थे ना वो क्या बकवास कर रहे हो बकवास नहीं है सच्चा आपके 50 लाख चोरी हो गए क्या हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए समझे हमारा कमीशन का क्या होगा कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे पैसे वापस नहीं मिले तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा हाँ चाहो तो पुलिस कंप्लेंट कर दो आपकी ब्लैक मनी थी ना वो तो हम सब लोग मिलकर जेल जाएंगे ऐसी बातें मत करो मैं तो लुट जाऊंगा अरे हमारे हाथ में भी तो कुछ नहीं लगा ना मैं रखता हूँ चलो बाय नहीं देना मुझे यहाँ से बैठिए चल भाग लुटिया डूब गई मेरी क्या करूँ अब मैं साक्षी को पार्टी कैसे दूंगा पार्टी टेंशन मत ले जब उसने 50 लाख दिए थे ना तो मैंने 10 लाख निकाल के अपने पास रख लिए थे अरे वाह कब तक यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा गोबर से नहाता है क्या बाप रे नाक के बाल चल गए लगता है ये लोग नहाते ही नहीं है अब क्या करूं आ गया जिसका इंतजार था वो आ गया ये मुझे जरूर बचा लेगा आप रो क्यों रहे हैं वो दिखाई नहीं देता क्या अब मेरा हाथ फंस गया है चलो रे लोगे तुम लोग अपना मुंह काला कर लिया चलो फॉलो मी प्रॉब्लम क्या है जल्दी बताओ धीरे नहीं बोल सकता क्या सब लोग सुन रहे हैं यहाँ कैसे बता दूं मैं गुरु हूँ तुम मेरे चेले हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए याद रखो तुम वहाँ पर देखते रहो मैं यहाँ देख के बात करूंगा वहाँ देख के किससे बात करूं तेरे बाप मेरा से। बाप मर गया है तू किससे बात करेगा समझता नहीं है यार तुझसे ही बात करूंगा ना चलो अब काम की बात करते हैं चार पागलों को 50 लाख मैंने उधार में दिए थे अब वापस ही नहीं कर रहे उनका पता क्या है उनका पता व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं ये काम करने के लिए 30% लूंगा 30 रुपए की भीख मांग रहे हो 30 रुपए नहीं 30% इससे अच्छा मैं खुद जाके अपना काम कर लूं ठीक है दोस्त में भी काम हो जाएगा अब आए ना बंदा लाइन पे ठीक है तो अगले 7 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए डील पक्की हाँ तो लग जाओ काम डील पक्की होने से पहले ही भाग गया वैसे पागल काफी मजा आया बहुत दिन बाद आया बहुत भारी हो गया तो बाय राजा और एक हैप्पी चाहिए क्या बाय 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 पक्का पलट के देखेंगे शिव पक्का लुक बैक आई नो दैट तू कैसे ये बात पक्की कह सकता है कि वो पलट के देख रहा हूं ना तू देख नहीं यार हां वो मुझसे प्यार करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो पलटे गिरे क्यों मुझे मामू बना रहे हो तुम लोग पक्का पलटेगी चुप रह रे मैं बोल रहा हूं पक्का पलटेगी अरे पलट चल पलट 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 पलट
पलट के देखो। पलट 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 ने ये ले, वो तो गई अंदर। चुप रहे। बात कहूं, ये राजा आजकल बिल्कुल बदल गया, देख लो।
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ आपने इस हीरो राजा को प्यार हो गया है। रमेश, सुरेश, बॉस, राजेश, वो लोग वहाँ बैठकर कुछ प्लान बना रहे लगता है। अच्छा? मैं उस तरफ जाकर पता लगाऊंगा कि वो लोग क्या प्लान बना रहे ले। फिर मैं तुम लोगों को सिग्नल दूंगा। कैसे बॉस? ठीक, ओके, एक्शन। सुनो, मैं दीवार के उस तरफ जा रहा हूँ। ओके बॉस। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। काफी देर हो गई। सुनो, बोलो। बहुत देर हो गई, बॉस वापस नहीं आए, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं हो गया? आई थिंक वी शुड गो, कम ऑन, लेट्स गो। हे भगवान, ये तो यहाँ चोट खाकर गिरे पड़े हैं, अब हम क्या करें? क्या करें मतलब? चलो मदद करते हैं बॉस की। चलो बॉस की मदद करते हैं। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला होके रहेगा। कौन सा फैसला? मैं झिकझिक से तंग आ गया हूँ, ये सब नहीं चलेगा। क्या? वो जो रुको, अगर बताती हूँ। ये बीवी झगड़ा करे हमें, उन्हें रोकना होगा। चल ले, ये बीवी का झगड़ा है, थोड़ी देर में सुलझ जाएगा। तू रेफरी क्यों बन रहा है? ये झगड़ा नहीं सुलझेंगे मेरे भाई। टांग मत अड़ा, ये झगड़ा तेरे कोई भारी पड़ सकता है। यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये नहीं सुलझेंगे। देखो कैसे टॉम एंड जेरी की तरह भाग रहे, अगर उसके पति ने उसे छोड़ दिया तो क्या हो गए? अरे तो मैं संभाल लूंगा उसकी बीवी को। चांस पे डांस करता है बदमाश। जिग्नेश भाई, अगर तुम उनके झमेले में पड़ गए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको ना मारे। डर नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं सह सकता। तुझमें इतनी हिम्मत है तो चल जा, आगे जा। ठीक है, जितनी स्पीड में गया उतनी स्पीड से वापस आएगा, देख लेना। क्या है रे? लामड़ो, बंद करो ये झगड़ा। तुम दोनों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई है। मुझे सिखाएगा? अभी तुझे बताऊं। कुछ फूटने की आवाज है। हाँ, लगता है चकनाचूर हो गया मामला। अगर ऐसे ही मुझे लग जाता तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं रहते। तुम्हारी मदद करने आया था, अबे मेरी मदद करो। गुस्सा थूक दो, घर पे चलते हैं। हाँ हाँ, घर पर झगड़ते हैं। आओ चलो चलो चलो, आओ जल्दी। हो गया ना कल्याण? बोला था झमेले में मत पड़ो। शकल से लगता नहीं इसको चोट लगी। तो सही वाला तेरे पे ग्लो है, पर अंदर तो अंधेरा छाया है ने। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अस्पताल लेके चलो ने मेरे को। मुंगेरी शेखर राजा कहाँ गए सब? तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए भगवान का व्रत रखा है। चुप कर, अभी बड़ा पाप खाया। अरे उसके बाद रखा ना, अब बाद में ये फल भी तू ही खाएगा। आजकल क्या जमाना आ गया है। जिग्नेश भाई, मैंने तुमको पहले ही बोला था, मियां बीवी अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। मेरे को अस्पताल पहुंचाने के बाद दोनों हनीमून मना रहे होंगे शायद। अरे तू उनकी छोड़, तू आराम कर यार। उनसे कहो हिले डुले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लड़की कौन है? इसको सब कुछ पता है क्या? अरे इसको अंदर बाहर का पूरा पता, पूरी रिपोर्ट है इसके पास। कोई एग्जाम थोड़ी है कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए। शेखर अन्ना, डॉक्टर कहाँ है? चादर के अंदर कुछ ढूंढ रहा है, देखो। अंदर सोना थोड़ी मिलने वाला है ने मैं भाई। बंद कर, बड़ बोला कहीं का। सब ठीक है ना? निकल दिया। क्या निकल दिया? बैंडेज। इतनी जल्दी कैसे निकाल दे, छोटी मोटी चोट थोड़ी है। डॉक्टर ये शादी तो कर पाएगा ना? मैं दर्द से मर रहा हूँ, इसे मेरी शादी के पड़ी है, कैसा दोस्त है? चिंता मत करो, सब ठीक है। एक नहीं दो शादियाँ कर सकते हो। एक ही हो जाए वही बहुत है। शादी को छोड़ो, मेरा डिस्चार्ज कब करने वाले हो भाई? अरे जब डॉक्टर जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बार बार देखने से ठीक थोड़ी हो जाऊंगा। अंदर तेरी दुल्हन नहीं है, बता देना इसको। मेरी ज्यादा चोट है क्या? ये क्या हो गया? अब दूसरी बार शटर ऊपर मत करना, मेरे को शर्म आती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना शिखर अन्ना? देख के तो ऐसे ही लग रहा है। ये आठवां अजूबा बन गया है भाई। हम चारों के अलावा ये बात कोई जानता तो नहीं है ना? किसने बोला तेरे को? मैंने साक्षी को बताया, वो भी आई रही है। ने बापा, अबे शू करू शू करू। नहीं बोलना था क्या? अबे यार गुड न्यूज थोड़ी छे के ढिंडोरा पीट के गांव में बता रहे हो। जिगना तू टेंशन मत ले, लोग आएंगे, हाल चाल पूछेंगे और चले जाएंगे। के सर्कस लगा क्या? तुम बस आराम करो और कोई टेंशन मत लो। क्या टेंशन लेता है? डॉक्टर ने क्या बोला तुमने सुना नहीं क्या? डरने की कोई भी बात नहीं है। पर मैं अरे कैसे समझाऊं तुमको? अरे तो कहीं भी कुछ भी रख देता है, चल उधर रख दे। नारियल पानी पिएगा तो सूसू आएगी। आजो जले पे नमक छिड़क रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा यहाँ है। हाय साक्षी, वेलकम। हाय। अबे दोनों भी आ गई, गई बेस पानी में। क्या हुआ तुम्हें जनार्दन? कहाँ चोट लगी और कैसे लगी? तुमको देखना है क्या? आओ दिखाता हूँ।
नहीं, नहीं नहीं रहने दो। मैंने कहा था ना ये खबर सुन के सब डर जाएंगे। पर ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली हाँ बोलो ना। मैं समझाता हूँ, वो सड़क पर हस्बैंड एंड द वाइफ फाइटिंग ईच अदर। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ही केम इन द मिडिल, आई टोल्ड हिम डोंट पुट योर टंग इन बिटवीन, बट ही केम इन द मिडिल दैट लेडी बिग स्टिक अंबासा राउंड एंड राउंड व्हाट हैपेंड अशो अशो हर डेमो आफ्टर दैट बोलो बोलो अ पर्टिकुलर दिस इतना काय को खींच रहा है, सीधा सीधा बताना उसको, वो समझ जाएगी। कहना कि पेट में मार पड़ी, उसके नीचे मत जाना भाई। उसे कैसे पता चलेगा? दूध पीती बच्ची थोड़ी है। उसके बाद क्या हुआ? यू कैन सी, यू वांट टू सी, यू वांट टू सी, देन सी सी। नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, नहीं देखना। देखा मैंने क्या कहा था तुम सबको, ये लड़की बहुत ज्यादा समझदार है। ओके समझ गई, ज्यादा तकलीफ हो रही है। बता डॉक्टर ने क्या कहा? शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया। मैं तो कह रहा था कि एक बार देख कर तो जाना चाहिए था। नहीं नहीं हमेशा झलक दिखाएगा उसको, इसका बदला लेके रहूंगा। क्या है कि यहाँ आने के चक्कर में मैं इसके लिए फ्रूट्स लाना भूल गई। डोंट वरी, फ्रूट्स बहुत है, राजा लेकर आया था। कल कुछ गन्ने लेकर के आना, ठीक है? ये गन्ना खाएगा। ओके राजा, हाँ? तुम जरा बाहर आओगे क्या? या क्यों नहीं यार, जाना। मैं अभी आता हूँ। कल जरूर आना, कल और अच्छे से देख पाओगे। मनीषु एग्जीबिशन में रहे कुछ है क्या? ओके बाय बाय। तुम टेंशन मत लेना, मैंने कुछ नहीं हुआ है। ओके मैं सब कर सकता हूँ, मेरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा महसूस होने लगा है। बाय। देखा लड़की के छूते केसेस में करंट दौड़ने लगा। चुप करें। तुम सबको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? पर शु काम, शु बात, मेडिकल स्टूडेंट आने वाले हैं। वो क्या है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स तुझे देखकर कुछ सीखना चाहते हैं। तू एक काम कर, बस ऐसे ही लेटा और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं तो पहले से ही लेटा हुआ हूं, मुर्दा बनाना बाकी है। अरे चुपचाप लेटा रहे, खुद तो पढ़ नहीं, दूसरे को तो पढ़ने दे। छोड़ के मत जाने भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। आप करो करो करो, आप ये सपोर्ट करेगा। हाँ हाँ ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस तरह से अरे ओमर हे शेखराना कितने महीने बाद मिला, ये पता है? ओ, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है ये। ओ, अच्छा। उमर ये मेरा दोस्त है। नमस्ते। चल मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? चाय पीने जा रहा हूँ। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमर 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 सब कुछ ठीक है ना? अल्लाह की दुआ से सब ठीक चल रहा है। कभी घर आना। हाँ, क्यों नहीं, तुझसे बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। हाँ कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। मैं तूने मेरे लिए जितना किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता। अच्छा अम्मी कैसी है? अम्मी अम्मी अब नहीं रही। लेकिन ये कैसे हुआ उमर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये किसकी फौज है? अरे, अरे नहीं ये फौज नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा ये है अशरफ, हमीद, शफी, हमजा। और तेरा नाम क्या है? शकीरू बाबा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। सॉरी भूल गया था। होता है होता है। बहुत शरारती बच्चा है तेरा। तूने तो काफी तरक्की कर ली। बस मालिक की देन है। भाभी जी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर। यहाँ कोई काम था? ये क्या? इसलिए। अच्छा मान गया, तुझे क्रिकेट टीम बनाएगा क्या है? परिवार का खुश रहना बहुत जरूरी है। आप तो समझ सकती हैं भाभी जी, मेरी शादी हो गई और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे बच्चों का सुख कभी नहीं मिला। आप बहुत लकी हैं भाभी, ख्याल रखिएगा। ठीक है उमर, अगर कभी हाँ, तेरी जरूरत पड़ी तो तू मेरी मदद करेगा ना? तू बस आवाज दे, मैं दौड़ कर आऊंगा। कितना खुशनसीब हूं मैं। चलो बेगा भाभी, ध्यान से जरा संभल कर। शरारती पापा, मुझे भूख लगी है। हाँ थोड़ी देर में खाएंगे। देख भाई जिग्नेश, मैंने बहुत दिनों से तुझसे पूछा नहीं, इसलिए दिल छोटा मत करना। मतलब सही बोल। मैं ये पूछ रहा था कि तेरे कलपुर्जे तो सब काम कर रहे हैं ना? अरे तेरे मुझे ओ बहुत दर्द। क्या तुम लोग भी मत उड़ाओ ना मजाक, राजा तुम कुछ बोलो ना। मैंने इनको मना किया। क्या बोलना, बहुत जबरदस्त लगी थी इसे, हम सब डर गए थे। पिछले जन्म का पाप होगा कोई? पाप नहीं, पाप का बाप था, एक श्राप था।
इधर आ, जल्दी आ। क्या रे, खुद को शाना समझता है क्या? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। हीरो बनेगा? मैंने कुछ नहीं किया, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, लेकिन उनको कुछ मत करना प्लीज। तुझे पता है मैंने तुझे क्यों मारा? पूरी रात बैठकर इस बारे में सोचना तू। राजा छोड़ो उसे। ए, मारो उसे मत मारो। राजा आइंदा से कुछ भी उल्टा सीधा किया तो याद रखना तुम्हारा भी यही हाल होगा। खेल खत्म। भीगी बिल्ली निकली, ये क्या मारेगा मुझे? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया भाई, और ऐसा लगता है कि अब हम लोग भी पिटने वाले। पक्का पिटेंगे। तुमने ही सिखाया था ना मार्शल आर्ट? भूल जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। चलो रे। राजा 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 संतो। हाँ बॉस बोलो। सिर्फ उस लड़की को हासिल नहीं करना तो फिर उस बुढ़े की सारी दौलत पर हाथ साफ करना है, माला माल बनना है। पता है इस चरण को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, हमेशा टंगड़ी कबाब खाने वाला रोज रोज दाल चावल थोड़ी खाएगा। माल हाथ लगते ही सीधा बैंकॉक। पैसों से तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है, फिर लोग प्यार की भाषा थोड़ी समझते हैं, स्टेटस के मुताबिक ही रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बुरा लगता है उन प्यार करने वालों के लिए जो प्यार के लिए मुसीबतों का सामना करते हैं। हेलो राजा। साक्षी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज आज मिल सकते हो क्या? अर्जेंट काम है। ओके आता हूँ। ओके। साक्षी को मुझसे क्या बोली? साक्षी कोई अर्जेंट काम है, मिलने बुलाया है। राजा। हाँ? राजा मैं तुमसे कई दिनों से एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती थी, सोचा आज कह दूं। अपना राजा तो एकदम छा गए, हीरो निकला है। लेकिन मुझे ये बात कहने का मौका ही नहीं मिला। हाँ बोलो ना साक्षी। आजकल मुझे रातों को नींद ही नहीं आती, हमेशा ख्यालों में खोई रहती हूँ, भूख प्यास भी नहीं लगती। लेकिन तुम्हें उस दिन मिली तो सोचा अपनी दिल की बात बता दूं। पर मेरा मन घबरा रहा था कि पता नहीं ये बात सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। बोलो ना। मुझे प्यार हो गया राजा। राजा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है,
ये बात मेरे दोस्त भी जानते हैं और इसलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसका नाम चरण है राजा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उस दिन जो गुंडे आए थे ना, वो उसी के थे। राजा मैं चाहती हूँ कि तुम सब हम दोनों को एक करने के लिए हमारी मदद करो, प्लीज। श्योर, जरूर करूंगा। प्यार क्या होता है ये मैंने आज जाना, उसे भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा, इस बात का मुझे भरोसा है, है ना दोस्तों? तो बिल्कुल मत डरना है, तेरी शादी हो कर ही रहेगी। okay. हम सब साथ में है ना साक्षी? हाँ, सच में तुमने हमें गार्डन समझा है ना, तो हम करके रहेंगे। ए जोकर, गार्डियन होता है। स्पेलिंग नहीं आती मुझे। साक्षी, चिंता मत करो, ये दोनों तो अपनी जान भी दे देंगे। और तू? तुम दोनों हो तो तीसरे की क्या जरूरत? नहीं, भूल गए, साथ साथ जाएंगे हम। हाँ, है? और साथ साथ मनेंगे। डन। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय। ये बहुत ही अच्छा इंसान है, भगवान करे इसकी हर मुराद पूरी हो जाए। ಬೋರಿ ಅಂಡ ಖಾಲಿಯಾವು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ದೊಡ್ಡ ವಾರಿ ನಿನ್ನ ಒರಿಯ ನತ್ತು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲವ್ ಫೇಲ್ ಅಂಡ ಜೆತ್ತೊಂದು ಬಾನ ಮೋಸು ಈ ಒರಿಯತ್ತು ಉಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತು ಅವು ಕುಸಲತ್ತು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೋ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ तो पहले ही डाउट था कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, और हम सब इसकी बातों में आ गए कि ये प्यार है, प्यार है, लेकिन प्यार व्यार क्या निकला? दे भाई राजा, मेरे को तो लगता था कि वो तुझसे दिल से प्यार करती है, सच में। बेश तो मेरी दामिनी है, नहीं सच्चा प्यार करती है मेरे को, और किसके तरफ देखती भी नहीं है। क्या बात करता है, एकदम भोली वाली दूध की धुली है वो। टाइटैनिक पोस दिया है। मारू टाइटैनिक डूबी गयो। अबे हूँ शुक्र हूँ। टाइटैनिक का पोस बनाया था, उसी तरह जहाज की स्पीड से निकल लिए। राजा, सब उस साक्षी की गलती है, बोल दे उसे। हाँ। नहीं यार, मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसमें गलती मेरी ही है। मैं तो बस एक नाम का ही राजा हूँ, उसके दिल का असली राजा तो वो है। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उन दोनों की शादी तो मैं करवा के ही रहूंगा, और यही मेरा सपना है। मतलब तेज धार की तलवार पे खुद बैठेगा, तुझे वो लड़की नहीं मिलेगी, पर तू उसके लिए फिर भी मार खाएगा। तू गलती से इस युग में पैदा हो गया है, जो अपना घर जला के दूसरे का घर रोशन कर रहा है, वो भी खुशी खुशी। पर हम तेरा साथ देंगे हमेशा, हमेशा मारते दम तक। भाई सुन, रट्टा मारे ने डायलॉग बोले। तू बोल नहीं सकता तो क्या, मैं तो बोल सकता हूँ ना, तो बस तू चुपचाप सुन। रमेश, सुरेश, राजेश, तीसरा वाला किधर है? देख, तुझे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी राजा। वो देखो, वो लोग इधर ही आ रहे। यस बॉस। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो, वो लोग आते अटैक कर देंगे। जी हुजूर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोलता है? चलो, इस काम के पैसे मिलेंगे। रमेश, यस बॉस, उधर से जाओ। सुरेश, तुम काम करो, तुम इधर से जाओ। ओके। राजेश, यस बॉस, जिधर से माने उधर से जाओ, और मैं भी आशा का आगू जाता हूँ।
काटा, इतना काटा, अब लेने पड़ेगा पेट में टाका। सुनो भैया, तुमने यहाँ पर किसी चुसे हुए सुकड़े आदमी को देखा है क्या? वो हमारा बॉस है। ओ, मैं हूँ। हाय। हेलो। हेलो एवरीवन। नमस्ते। क्या हुआ, तुम मंदिर जाके आए हो क्या? हाँ, मैंने लगे राहुल भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा टीका लगाते हैं। भगवान के कारण ही तो आज हम दुनिया में हैं। ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे मन में बसे। ये तो इमोशनल हो गया। एक दिन एक गुरु ने अपने शिष्य को अकेले बुलाकर उसे केला दिया और कहा, अबे केला खाया नहीं है क्या? जहाँ भगवान न हो वहीं ले जाकर इसे खाना। शिष्य ने तो वो केला खा लिया लेकिन गुरु जी ने नहीं खाया। क्यों? बताओ क्यों? केला छोटा था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दरअसल भगवान तो हर जगह स्थित है क्योंकि सृष्टि का नियम है। 1690 की याद अभी मत दिलाओ, अभी दिन है। साक्षी के डैड को कैसे पटाना है इस बात को बताओ। आज मैं तुम लोग को वही कहने आई थी। हाँ। घर में मामला बहुत गर्म है। मामला तो हर घर में गर्म ही होता है साक्षी, उसे ठंडा करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ध्यान देना बंद कर। नहीं, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेना यार, धीरज रहने दे। पूरी स्टोरी सुनी नहीं और चला प्लान बनाने। सॉरी सॉरी, साक्षी बोलो क्या बोलना चाहती है। पापा मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, पर मैं तो राहुल से शादी करना चाहती हूँ ना। नहीं, तुम ऐसा करो ना, तुम दोनों मंदिर में शादी करो, आशीर्वाद लेने सीधा घर पे जाओ, दोनों राजी तो क्या करेगा काजल? नहीं, पापा को अटैक आ जाएगा। हार्ट के पेशेंट है। अगर भाग जाए तो ये प्लान है इनका। चुप साक्षी, अभी घर पे सिचुएशन कैसी है? चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। मालिक। क्या है रे? आपने अंदर कुछ नहीं पहना है। हा? सब दिख रहा है मालिक, सब कुछ दिख रहा है। अरे जल्दी चलो ना। आ रही हूँ जी। क्या हुआ, क्या बात? गाड़ी है? में बैठो, बताता हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, मुझे कितनी गर्मी हो रही है। अरे एसी तो ऑन है ना जी, आपको गर्मी क्यों लग रही है? और इस उम्र में क्या आप लुंगी डांस करने जाएंगे? हाँ लेकिन ऐसी कहाँ मेरी उम्र हो गई है। तो ये प्लान है इनका। तूने फिर बीच में बोला, स्टोरी सुन ली, क्लाइमेक्स में बताता हूँ, तू चुप रह। साक्षी, तुम्हारे डैड को भगवान और ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा यकीन है ना? अगर भगवान के नाम पर या कोई ज्योतिष उनको कुछ बोलते तो वो वैसे ही करते हैं ना? एग्जैक्टली, ज्योतिष के बिना तो पापा घर में कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। ज्योतिष के कहने पर तो घर में दो बार हवन भी हो चुका है। पूरे धार्मिक है। बस अब ये सब मुझ पर छोड़ो। अरे मैं सब संभाल लूंगा। ज्योतिष के कहने पर तो अपना नाम तक बदल चुके हैं। उसकी बात मानकर पापा ने अपना नाम जग्गू से हग्गू रख दिया था। नाम छे। मुझे लगता है तुम्हारे डैड बहुत सन की, उनको मनाना आसान नहीं होगा। हेलो शेखर अन्ना, अरे कहाँ हो यार आप, अब तक तैयार नहीं हुए क्या? अपना ड्राइवर भी कब से आया हुआ है? अगर साक्षी के डैड नहीं मिले तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, याद रखना। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंच गए, मेरे पीछे हो। क्या गेटअप चेंज किया, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। गारंटी से कहता हूँ नहीं पकड़े जाओगे। पंडित लग रहा है। अरे चमकदार, इसको तो देख के कोई भी मर जाए। मेरा तो तुम पर दिल आ गया, क्या लग रहे हो यार। अरे तुम चुप करो, तुमको मजे लेने में क्या जाता है? औरत पे क्या बीतती है अब जान गया हूँ मैं। ए भाई साड़ी थोड़ी टाइट है, थोड़ा लूज करके आता हूँ। क्या कुछ भी बोलते रहते हो, ये सब बाद में करना। अच्छा देखो शेखर अन्ना, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और जो ड्राइवर है वो भी बहुत अच्छा है। आने जाने में तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे जरा एक अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन तुम लोग अच्छे से संभाल लेना, मैं तुम लोगों को बाद में ज्वाइन करता हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे मिल लूंगा ना बाद में। ओके ओके, चलो संभाल लेना, ऑल द बेस्ट। जल्दी चलो, ड्राइवर किधर है? जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हे प्रभु दया बनाए रखना। जल्दी करो, देर हो रही है। शंकर अब पूजा बाद में कर लेना। अरे क्या कल तक वेट करना पड़ेगा हमें? हले वे। हेलो, इसे छोड़ के हम दूसरी गाड़ी ले लें क्या? जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है तो फिर सो जाता हूँ।
आप गाड़ी में भी सो सकते हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम सीरियल किलर हो ना? वही वाले? मैं सीरियल में काम नहीं करता और देखता भी नहीं हूँ। आइए बैठिए। लाइसेंस है ना तेरे पास? हाँ आए ना लाइन पे, चल तू भी। हाँ बैठ जा, इसे तो बाद में बताऊंगा, चलो जल्दी। अरे चल ले, चल ले बस। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, नमः शिवाय, बैठ जा, चलो चलो जल्दी। प्रणाम स्वीकार करें, जल्दी जल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। अरे चलो हमें वापस भी आज ही आना है यार, गजब ड्रामा है। पिछली बार की तरह चला ले गाड़ी ताकि आगे बढ़े। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी करो। देखिए यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। अरे किस बात की टेंशन है, गाड़ी स्टार्ट करो ना। सुनिए, पीछे जो बैठे हैं वो पति पत्नी है ना? हाँ हम दोनों इसके पति हैं, तू भी इसे शादी कर। अरे चलो चलो रे भाई, क्यों गए भाई, गाड़ी तो स्टार्ट करो। और इनके बच्चे? वो वानर से ना पीछे टेम्पू में आ रही है। इसके कोई बच्चे बच्चे नहीं है, गाड़ी स्टार्ट कर। दो पति हैं फिर भी बच्चे नहीं हुए, पागल कर देगा ये। चिंता मत करो, इस साल बच्चे जरूर हो जाएंगे। इसे मेरी मर्दानगी पर कितना भरोसा है, देख बोर कर रही है। आशीर्वाद दे। बच्चे मेरे, पति मेरे, गाड़ी तेरी, स्टार्ट कर। हाँ, चलाना है, मेरे मामले में दखल मत देना है। इसको बोला लू क्या? राजा को मारना पड़ेगा क्या? ड्राइवर भेजा है। हाँ ले। स्टार्ट करो। एक दंत दयावंत, चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। ओ भाई भगवान को इतना याद करने की जरूरत है, हम किसी जंग पे नहीं जा रहे। तू गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट करे, देर हो रही है ना। ये साड़ी भी बहुत टाइट है, तो पहनी क्यों थी? ओके चलो, हमेशा स्टार्ट हो जाती थी, आज क्यों नहीं हो रही? गियर में तो डाल मेरे भाई। अरे क्या, कब से पूजा पाठ किया जा रहा है, चलो ना, चल जल्दी फर्स्ट गियर में डाल। थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, बच्चे एक दिन हो ही जाएंगे। ओ हम एक काम करते हैं, हमारा हनीमून यहीं पीछे एंजॉय कर लेते। तू एक काम कर, तू गाड़ी चला भाई। चल अधिक उत्तेजना सेहत के लिए हानिकारक है। चल चल और जल्दी पहुंचा दो। अरे फर्स्ट पे बोला था, फर्स्ट पे थोड़ी बोला था, घड़ी लेकर जी है। अरे मां जी, पिता जी, अच्छा जी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। लग रहा था आज हम दूध लेके जाएंगे। ओए ड्राइवर, अरे ढक तेरा तन बदन। ये वो तो उधर है, वो तो उधर। बहुत जोर का झटका लगा ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे। अरे भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा कुछ नहीं है, इंजन ठंडा होते ही हम लोग चल पड़ेंगे। पूजा का मुहूर्त किस समय का है? पूजा तो हो गई। कब की हो गई? देखा नहीं, प्रसाद मिलेगा, जाओ। तुम्हें संतान जरूर होगी। जैसी होगी सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, उसे पालने में तू ही रखना, उसका नामकरण करना। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, एक नहीं दो संतानें होंगी। अगली बार कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बुलाने में संकोच मत करना। अबे सुधियो, अब मुझे याद आ गया कि ये कौन है। कौन है? जब मैं भीख मांगता था ना, तब भी इसने अपना विजनिंग कार्ड मुझे पकड़ा था। वो विजनिंग कार्ड आज भी मुझे बहुत चुभता है, और आज इसने फिर पकड़ा दिया। चल फाड़ ना, फाड़ 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 इन्हें, फाड़, चल जा, निकल जाओ यहाँ से। अरे हम भी चलते, चलते हैं। हे भगवान, इन लोगों को मेरे हिस्से की संतान भी दे देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा भगवान। सामान्य, मैं जरा साड़ी ठीक करके आता हूँ। देखना मैं कोई सांप वाप ना हो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़े जाएंगे। तुम लोग आज तक पकड़ पाए क्या? साक्षी की शादी और राजा की ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे, वही हमारा मिशन। जब तक मैं साड़ी ठीक न कर पाऊँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है हम लोग गलत जगह पर आ गए। लेट्स गो। नमस्कार। नमस्कार, कैसे आना हुआ? मैं आपका पड़ोसी हूँ, यहाँ से दो कंपाउंड छोड़ कर रहता हूँ मैं। चक्कर लगाते देखा आपकी बेटी को। ऐसा क्या? आपकी वाइफ को भी देखा है। एक बात कहूँ, अब मेरी मामी बहुत खूबसूरत है, एक दिन उन्हें गुंडे उठा कर लेगा। अब मामी मिल गई। मिल गई। उन्हें गुंडों से छुड़ाने वाले यही दोनों हैं। इनका नाम है नारायण स्वामी। सुना तो होगा, केरला के मशहूर पंडित हैं ये। दुनिया में इनका कितना नाम है आप इनकी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए देखिए, अरे अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है। अरे देखा ना आप, बड़ी बड़ी हस्तियाँ। तो बात ये है पूरा देखने में कि अगर आपको भी इनके साथ फोटो खिंचवाना हो तो सीधा मुद्दे की बात करना।
तो ये किसी भी मुसीबत का तोड़ निकाल सकते हैं। ये इनकी पत्नी है। जिगना मैं। नमस्ते। बड़े बड़े लोग इनके दर्शन के लिए तरसते हैं। ये है ही ऐसी। नमस्कार। नमस्कार। तुम जग्गू हो ना? तुम्हारी बेटी का नाम साक्षी है ना? अंतर्यामी है, जो कि इकलौती है। किसी भी इंसान की कुंडली बता सकते हैं ये। मैंने उसका नाम सही बताया ना? साक्षी। आपने कैसे जाना? हाय हाय, मुझे पहचाना नहीं ना? बोला ना, वो बान बहुत प्यारी है। ज्यादा प्यार मत दिखा वरना जूते पड़ेंगे। शेखर जी, बोलिए पंडित जी। हम जिस कार्य को संपादित करने हेतु यहाँ पर आए हैं, क्या उसका संपादन करें? ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान देने का काम है, पूरे दिन देते ही रहते हैं। चुप करो। ब्रह्मांड में हमारी सृष्टि और हमारी उत्पत्ति हुई इसलिए है। वो क्या है? आपकी बेटी के लिए स्वामी जी, बने बहुत जोर से लाग गयी, साड़ी भी बहुत टाइट है, जाके आता हूँ। मैंने कहा था ना, इसे भभूति दे के लेके आना चाहिए था। टोका टाकी चालू है इसकी। तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता क्या? अरे क्या करें, जाने दो ना मुझे। कंट्रोल रख, थोड़ी देर निकल जाए। आखिर बात क्या है? आपके यहाँ आते समय हरियाली देख कर इसे केरला की याद आ रही है। बोले कि थोड़ा सा गार्डन घूम कर आ जाऊं क्या? यहाँ की हरियाली देखने के लिए आपकी इजाजत मांग रही है ये। इसमें पूछने की क्या बात है? आप ही का गार्डन है, बेशक जाइए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गार्डन में पानी की सुविधा चाहिए ना, वही चाहिए। चल जाओ। पीछा कर जा जल्दी, थर की कहीं का देख रहा है। बाप रे, दिल टूटा ने साथ में सर भी फूटा। भागो! वो ऐसा है कि कुछ कहा? बात सुनो, इधर आ। सच में इनसे कहो कि इनके घर में कोई शुभ कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाला है। हाँ, कह ही दीजिए। आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है ऐसा ये पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बेटी की शादी है। इसे उल्लू बनाने का सही वक्त आ गया। लड़के के बारे में बता दो जल्दी। अच्छा, आपकी बेटी जिससे शादी करने वाली है उसका नाम च से शुरू होता है क्या? पूरा नाम बताना। चरण। चरण है क्या उसका नाम? सही कहा, चरण नाम है। एक नाम है, पंडित जी की इज्जत ऐसे ही थोड़े करता हूँ। दुनिया के एकमात्र पीस है ये। क्या कहा? चरण के बारे में जितना ये जानते उतना तो आप भी नहीं जानते होंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इतना तेज है कि पलक भी झपक जाए तो आपके गले से सोने की चेन गायब हो जाए। एक नंबर का चोर। और भी खूबियां हैं। एक नंबर का कमीना। एक लड़की के साथ रहने का तो गुड़ ही नहीं है उसके अंदर। अरे ज्यादा मत फेंक, चुप हो जा वरना पड़ेगी। जरा सोच समझ के तो बोल। तो ऐसा आदमी है वो? नहीं नहीं, मैं क्या जानता हूं, हम पर विश्वास नहीं है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब मैं ऐसे चलना चाहता हूँ। क्या करेगी? सॉरी, थोड़ा हड़बड़ा गया था, गई थी। लेकिन हमने तो कुंडली भी मिलाई थी, पूरे 36 गुण मिले थे। इनके हिसाब से तो दोनों की कुंडली आपस में मिलती। आपका क्या कहना है? नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, पूर्ण नाश हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, आप लोग बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। ये सब क्या है? आप लोग बुरा मत मानिएगा बेटी, बुरा बिल्कुल मत मानना। देखिए, वो क्या है कि ये समझाना ये चाहते हैं कि वो लड़का आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। शादी हो भी गई तो उस शादी का बहुत ज्यादा दिन तक टिकना बहुत ही मुश्किल है, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, अगर इस शादी को आप तोड़ सके तो यहाँ से। ठीक है, नहीं बोलता। टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। मैंने कहा उठो यहाँ से। क्यों कहा? जाने को बोल, उठने को कहा, जाने को नहीं। टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। बेवकूफ पागल कहीं के। पैदल नहीं चलेंगे, रिक्शा ढूंढो। हेलो हेलो हेलो, स्वामी स्वामी स्वामी, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट। वेर इज एटीएम? एटीएम एटीएम एटीएम, सीधा गो लेफ्ट टर्न एंड सेकंड राइट टर्न जंक्शन। एटीएम एटीएम एटीएम। थैंक यू स्वामी जी। क्या पका रहे हैं? एक मिनट, इधर आइए, ये लीजिए। ले लो, ये लगता है। शुक्रिया मदद करने के लिए। ओ बाबा, एंजॉय कीजिए। बैठी गंगा में हाथ धो लो, निकल लो। अरे सुन ना, तुझे क्या देखा मैंने? ये तो वही है जिसने हमारे 50 लाख रुपए चुराए थे। वही है, ये वही है। अरे ये तो वही है। पकड़ो पकड़ो।
कैसे पकड़ेंगे? वो गाड़ी में रफू चक्कर हो गया और हमारे पांव में पहिए नहीं लगे। गाड़ी का नंबर देखा? देखा क्या? अरे सब कुछ मैं ही करूंगा, तू नहीं देखा? क्या करे? भगवान करे उसकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाए। कैसे पकड़े उसे? ये गाड़ी किसकी कुछ पता है क्या? किसकी? अरे गुरु जी की है। हां वही है, वापस आ रहे हैं। हमको दुनिया घर की एक्टिंग करना डर है। जी का मंदिर किस तरफ है? मंदिर उस सर्कल के पीछे है। थैंक्स। ज्यादा भाव मत दे, अगर ये ताम में आ गया तो गड़बड़ होगी। मजा आ गया। चलो कैसे घूर रहे, देख बदतमीज कहीं का। दामाद जी कहाँ है आप? एक्चुअली अंकल एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर आया हुआ हूँ। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर? वो मैंने 5 एकड़ की एक जमीन खरीदी है अंकल। 5 एकड़ की? जी हाँ, वहाँ पर साक्षी के नाम पे हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। ओह वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, हो गया काम। वो क्या है कि अंकल यहाँ का जो रजिस्ट्रार है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसलिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ रहा है। ओके 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 अंकल बाय। वो क्या है, चरण ने 5 एकड़ जमीन खरीदी है अपनी बेटी साक्षी के नाम पर, वो एक अस्पताल खोलने वाला है कि नहीं? कमाल। उस दिन वो 3 पागल आए थे, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे थे, कितना होना रहा अपना दामाद। तुम्हें याद है ना उस दिन वो क्या कह रहे थे? मुझे याद नहीं आ रहा जी। कैसे याद नहीं आ रहा है? दामाद जी की बुराई नहीं कर रहे थे? अरे मेरी बात तो सुनो, डरा दिया ना सबको। ये वो ही ना जिसकी शादी साक्षी से होने वाली है। अरे देखो कैसी ऐश कर रहा है ये तो। ए अरे रुको तो। अरे हम उसको क्यों बुला रहे हो? हम एक काम करते हैं, ये सब शूट कर लेते हैं। अरे शूट करोगे तो हम लोग जेल में जाएंगे। अरे वीडियो शूट करेंगे। फोन दो, फोन 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 जल्दी फोन। ये लो, तू शूट करेगा? हां मैं ही ठीक से करेगा। अरे कितनों के एमएम शूट कर दिए, कितनों की वीडियो शूटिंग करवा दी। हां रुक जा। अरे चिल्लाओ मत यार। अरे मैं शूट करके आ रहा हूं ना, रुक जाओ तुम लोग। मैं चला शूटिंग पे, उसको जाने दो। मुंगेरी इतने पास मत जा वरना पीटेगा। चुप ना अबे। अरे मुंगेरी तू तो बहुत पीछे चला गया। मार जा। इतना लंबा क्यों जा रहा है? आगे चल। चुप रहो यार, वो शूट कर रहा है ना। लंबे से क्यों निकाल रहा है? कर रहा है। कितना बड़बड़ बड़बड़ करता है तू। भाई तूने किसको शूट किया? ये तो वो राक्षस नहीं है। मुंगेरी पगले सेल्फी शूट कर ली इसने।
भाई 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 ये भी देखो, ये देखो क्या इसने पिछवाड़ा भी शूट किया, ये भी शूट हो गया क्या? आज टॉयलेट नहीं गया था ना मैं तो जाने का जाना है। इस पागल को एक फोन नहीं चलाने का काम नहीं कर सकता बेवकूफ, किसे काम का? लेकिन मुझे नहीं पता था ये गलती से सेल्फी बोर्ड में चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या शूट होगा। समझ में नहीं आता तो गया ही क्यों तू? मैं फिर से शूट करके आता हूँ। नहीं उसने अगर तुझे शूट किया तो क्या करेगा? अभी क्या करूँगा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उसका एक खास ड्राइवर है सत्तू, मैं उसे जानता हूँ। उसे आटे में लिया तो चरण अपने हाथ में आ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ तुम चरण के ड्राइवर। ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं हूँ, खास हूँ उसका। जरा ठीक से बैठो, मुझसे दूरी बनाकर। वेरी गुड, अब बताओ मुझसे क्या काम? बात को जरा ध्यान से सुनना। बता संतू, देख इसमें तेरा ही फायदा है, तुझे पैसे मिलेंगे। अब सच सच बता कि वो चरण कैसा लगता है? चरण? अरे वो तो एक नंबर का बदमाश है, बहुत लोचा है, एक नंबर का लड़कीबाज है वो। ए पर तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो मैं कुछ नहीं बताने वाला। अरे पैसे देंगे ना? वो मेरे बॉस है, मैं उनका एक नंबर का वफादार हूँ। अच्छा? उन्होंने मुझे बचपन से पाला है और हाँ ये शर्ट भी उन्होंने ही दी है। फालतू कुत्ता है। क्या कहा? बहुत ही वफादार है। नहीं तू उनके बारे में कुछ बता रहा था? मैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता, वो मेरे मालिक है। ठीक है ठीक है, हम समझ सकते हैं। अच्छा सुनना, अरे छोड़ो यार, सुन ना, तेरा मालिक थोड़ा लड़कीबाज भी है ना? कौन सी लड़की को डेट नहीं किया? एक भी लड़की उनसे छूटी नहीं है। अच्छा? पर तुम लोग मुझसे ये अंदर की बातें क्यों पूछ रहे हो? कौन सी अंदर की बात? मालिक के खिलाफ मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, मैं एक नंबर का वफादार हूँ। अच्छा? कितनी बार एक ही बात बताएगा? जम के पिलाते हैं क्या? अच्छा सुनना, सुनना ठीक से सुनना, क्या बोल रहा? देख अगर तूने हमें सब कुछ सच सच बता दिया तो हम तुझे बहुत सारा पैसा देंगे। बोल तू जो बोलेगा पिलाएंगे ना। एक नंबर का वफादार हूँ, वो एक नंबर का कमीना है और डेंजरस भी, उससे पंगा मत लेना। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना तुम किसी को बताना नहीं। अरे मैं कभी चुगली नहीं करता, पीने के बाद ही करता है चुगली। मेरी पोल मत खोल वरना एक दूंगा मिला के। पागल, अरे तू क्या ढूंढ रहे? मैंने थोड़ा सा चखना। अरे मैंने तुझसे पूछा क्या? तो फिर अरे इस ड्राइवर से पूछा मैंने, तू चुप रह। बोल भाई आगे बोल, जल्दी बता क्या है। बता ना और क्या राज है, बता ना। अरे वैसे की हीरा फेरी करता है, उसके दारू के अड्डे भी है, मुझे तो फ्री में मिलती है। हमको क्या बता रहे, वो कैमरे में देख के बोल रहे, बोल रहे और क्या क्या राज है उसके, बोल ले तो। अरे वो तेरे उस तरफ बैठा, मेरी तरफ नहीं, दू एक मिला के। सॉरी सॉरी चुक गया मैं। ए बता ना उसके और क्या क्या शौक है, बोलना। और क्या क्या शौक है? डांस 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 बार में जाकर लड़कियों पे। अच्छा? हाँ पान में कच्चा लगाता है क्या वो? वहाँ जाके पाल मुडवाता होगा। ये क्या बकवास कर रहा है, समझा इसको? उसे जो भी लड़की पसंद आती है उसे घर ले आता है, फिर बेडरूम का दरवाजा बंद और काम शुरू। ये नीचे देख के बोल रहा है, कैमरा देख। अबे बोल, सॉरी मुंह सूख गया होगा ना, थोड़ा सा पी ले, एक घूंट में पी जा, डाल दे अंदर। वेरी गुड, हो गया। कहाँ डाल रहा है, मुंह में डालने का होता है। सॉरी सॉरी हीरो दिख रहा है, पिला दे, बहुत कुछ उगल देगा। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ इसे दो पैग और पिला दे, सब कुछ बोल देगा। तूने इतने पिला दी कि ये सो गया, अब क्या बताएगा ये? हमें देख कैसे बताएगा। पीले, पीले, पीले। एक नंबर का कमीना है। अबे चार से गए बोल। उस बुड्ढे की बेटी से इसलिए शादी कर रहा है ताकि बुड्ढे की सारी संपत्ति उसे मिल जाए, उसके बाद उसकी बेटी को तो वो काम हो गया। ये बताओ उस चरण को कैसा डांस देखना पसंद है? Yeah,
யானு குடில்லத சமேலி சந்து பனோலி புடுப்பவை சவனி யானு மங்களூர் தவனர் பஞ்சாலி யானு மங்களூர் தவனர் பஞ்சாலி சொல்லியன் சந்து பனோலி புடுப்பவை சவனர் நாச்சலி யானு மங்களூர் தாஜவனரே பாஞ்சாலி யானு மங்களூர் தாஜவனரே பாஞ்சாலி மன்னோலி அஞ்சாந்து பன்னோலி நலிப்பாவே ஜவன்னர் நான் பிலி யானு மங்களூர் தா ஜவன்னர் சீப்பே கலி யானு மங்களூர் தா ஜவன்னர் சீப்பே கலி सिर्फ पैसे की भाषा समझते थे उनका मन इन चारों ने बड़े प्यार से जीत लिया। वो साक्षी की शादी राहुल से कराने के लिए मान गए। अगर सच्चे मन से कुछ भी करना चाहो तो सफलता जरूर मिलती है, ये इन चारों ने साबित कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस मेकअप के जादू को तो मान गए बॉस, देखो ना लड़के को लड़की और लड़की को खूबसूरत लड़का बना देता है। सब कुछ बदला जा सकता है। अच्छा बिल्कुल, कमाल है मेकअप में। हम कौन है, कहाँ ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं, ये सब पूछ नहीं सकते। चुपचाप बैठे रहो नहीं तो यहीं सबको गाड़ दूंगा। आगे देखो बेवकूफ। आप बताओ ना आप लोग कौन है। हम यमदूत है बेटा। कहाँ पे लेके जा रहे हो? मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं पूछना है। एक सवाल, चुपचाप बैठता है या दूं? ठीक है, इसको बताना पड़ेगा कि हमारी पहुंच मिनिस्टर तक है। कौन सा मिनिस्टर तुझे जानता है बे? एक मिनिस्टर मेरा साला है। क्या नाम है उसका? अभी याद नहीं है। याद नहीं है तुझे? क्या लगा मुझे बेवकूफ बनाएगा? चुपचाप बैठा रहे। अब याद करके बताता। ये राजा मेरा मन कर रहे ना इसको नीचे धक्का मार दूं। यार ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो मेरी कुंडली की वजह से हो रहा होगा और कुछ मुझे नहीं। लगता है वो दोस्त तेरा इस जन्म में तो नहीं टलेगा। दोस्त तुम सबका है। अरे तुम अपना पैर उस तरफ रखो ना यार। क्यों बे? अरे बहुत तेज बदबू आ रही पांव से, इतने महीनों से सॉक्स नहीं धोए तुमने। चुपचाप बैठा रहे नहीं तो कान के नीचे बजाऊंगा। मुझे बहुत जोर से आ रही, प्लीज 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 करवा दो। अरे ये तीन तो बैठे ना तुम्हारे साथ, चुप कर रहे वरना। देखो अगर यहाँ निकल गए तो गाड़ी गंदी हो जाएगी, आखिर कोई कब तक इसे रोक सकता है? ये नेचुरल कॉल है इसको समझो। तुम भी तो सुसु करते हो ना, तुम मेरी प्रॉब्लम समझो। गाड़ी को रोक दो प्लीज, रोको गाड़ी। हाँ रोक भाई गाड़ी जल्दी, बहुत तेज प्रेशर लगा है। अरे ये आराम का मामला है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ये आवाज तो थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। नमस्कार। ओह तुम काय का नमस्ते, दूर हट। मेरे पैसे कहाँ हैं? देखो अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगली बार जब मिलूंगा तो पक्का तुमको मैं दूंगा।
जो वादा मैं करता हूँ वो कभी नहीं निभाता। चलता हूँ। मुझे पैसे अभी चाहिए। पीछा मत करो, मैं इस वक्त जेल में जा रहा हूँ। चूना मतलब चल भाग जा यार। तेरी अरे मुझे पैसे चाहिए। चल पैसे दे, झूठ मत बोल। रुक जा, अरे रुक जा। अरे बोल रहा हूँ, मैं दे दूँगा पक्का। पुलिस के बच्चे झूठ मत बोल, पुलिस की धमकी देता है। मैं तुझे नहीं दूँगा। रुक जा। देखता हूँ कहाँ जाता है। अच्छा अच्छा आ जा, तू भी बैठ जा। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तुझे बोला था ना कि हमारे साथ मत आ, अब चुपचाप बर्दाश्त कर। ये बहुत बदमाश आदमी है, मेरे पैसे खा गया और जब पकड़ा तो झूठ बोल रहा है। पहले बताता कि इसे गुंडों ने उठाया है तो मैं इसके पीछे नहीं आता। मैं तुझे समझा रहा था ना कि मत आ, अब जब आ गया है तो भुगतना। पहले ही कहा था कि पीछा मत कर, अब फंस गया। बोलना तेरे में बहुत चर्बी भरी है क्या? बॉडी के लिए चर्बी जरूरी है क्यों रे? सांभो, मुझे दिन में दो बार हल्का होने की आदत है, इसलिए मुझे इस मामले में टोकने का नहीं है। गंदगी की तो साफ भी तू ही करेगा। बस यही करना बाकी रह गया था। भाई ये दोनों कौन है? वो क्या है ना कि जो डॉन होता है ना वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और पकड़ के कोई और लाता है, तो ये दोनों मारने वाली टीम में से है, यमदूत के काका। क्या हुआ, इतने में डर गया? आसानी से नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, है ना? यही तो होता है। अरे ओ, इसको साइड में रखना। पापा पारो, आई लव यू। मुझे कुछ भी हो जाए तो किसी से भी शादी कर अपने घर में फूल जरूर उगाना। लेकिन ध्यान रखना, तुम रोना मत, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझ पे डाउट मत करना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस थोड़ा सा लालची हूँ। क्यों बे श्याणे, ये सब कुछ तुम लोगों का किया धरा है ना? बोल, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती की तुम लोगों ने? अब एक काम कर, ऊपर जाने की तैयारी कर ले। क्या जरूरत थी सब करने की? बोल, क्या जरूरत थी? लड़की पटाने का इतना शौक था तो दो पैग मार के किसी अंटी के अड्डे में जा सकता था। दिमाग का पूरा दही कर दिया तूने। अभी इधर ही तेरे भेजे में गोली मार दूं। बोल, मार दूं? बात सिर्फ साक्षी की नहीं है, बात सिर्फ साक्षी की नहीं है, बात साक्षी के बाप की दौलत की है। दौलत, दौलत। मेरा बहुत नुकसान कराया तूने, और मैं तुझे छोड़ दूं? जिसने भी आज तक मुझसे पंगा लिया उसे मार कर ऊपर पहुंचा चुका हूं मैं, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तेरे साथ क्या करूंगा जानता है तू? ज्यादा मत सोच, अभी बताता हूं। इनको बोल दे कि अगर ज्यादा चीखे ना तो गला दबा दूंगा और ऐसी लात मारूंगा कि कभी उठ नहीं पाएंगे, और अगर मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो सीधा व्हीलचेयर पर जाएंगे। मुझे ये टेक्निक वाली मारामारी नहीं आती, मैं बस जंगली मारामारी करना जानता हूँ, चॉइस उसकी, लेकिन मारूंगा मैं। इसलिए अच्छा होगा कि वो चुपचाप ही रहे। क्या है ना, लाइफ में हर इंसान का सही टाइम आता है, तेरा भी आया था, लेकिन तूने क्या उखाड़ लिया चरण, अब तो तू मरेगा।
इसलिए टाइम ठीक नहीं चलता ना तो चुप रहने में ही भलाई होती है। मैं भी तो चुप था लेकिन अब तो मैं बोलूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि मेरा सही टाइम शुरू हुआ है। हा? सही टाइम शुरू हुआ है। वैसे तुझे और एक चीज बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुन। समंदर में हाई टाइड आता है और नदी में भी हाई टाइड आता है। जब समंदर में हाई टाइड आता है तो क्या करना चाहिए? स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। पानी में जाना हो तो सिचुएशन देखकर जाना चाहिए, वरना क्या, डूब जाओगे। अब देखना तेरी हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई है, बोलती बंद हो गई है। बता क्यों? क्योंकि तेरा टाइम खराब चल रहा है। अब मैं तय करूंगा कि तेरा क्या करना है, क्योंकि मेरा टाइम सही चल रहा है। मैं उनमें से नहीं हूं जो खुद पर मुसीबत आने के बाद बार में जाके एक पैग मार के चुपचाप सो जाते हैं, चैन की नींद। लेकिन मेरी बात तुझे समझ में नहीं आएगी। तू कमजोरों को मारेगा, गरीबों को चोट पहुंचाएगा। तेरी असली प्रॉब्लम क्या है जानता है तू? जरा अपनी आंखें देख, उसकी जांच करा। सुन रहा है ना तू? अबे एक नंबर का चर्सी लगता है तू, सुधर जा। चल तुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर साक्षी को या उसके पिताजी को किसी भी तरह की तूने चोट पहुंचाई तो साक्षी के सामने तुझे मारूंगा, और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। जानता है मैंने तुझे क्यों मारा? टेस्ट करने के लिए कि मेरा टाइम सही चल रहा है या नहीं। एकदम सही चल रहा है, क्योंकि ये लोग भी चुप बैठे हैं। कैसा लगा भाई लोग? अरे एकदम झकास। दाल वड़ा ने फाफड़ा खवड़ा भी स्तने। अरे तेरा काम आ गया, अब चल निकल। अरे तू चिपक के मुझे भी तो बात करने दो, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। पैसा पैसा क्या पैसा लगा रखा? ऊपर पैसा नहीं लगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे देख नहीं रहा इसकी हालत कैसी है? पैसा मांग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार तू। छोड़ो मुझे। मेरे प्रपोजल को तूने मना कर दिया, मतलब ये हुआ कि मैं रिजेक्टेड पीस हूँ? हाँ, ये नमूना हीरो है और मैं विलन। अब मेरी इतनी बेइज्जती की, दूसरा होता तो चिल्लू पर पानी में डूब मरता। मैं उनमें से नहीं हूँ। चेहरा देख इसका, आवारा टपोरी दिखता है ये। तुझसे क्या बात करूं मैं, तेरी तो चॉइस ही घटिया है। हेलो मिस्टर जगन्नाथ, हाउ आर यू? वो क्या है ना कि आपकी बेटी मेरे कब्जे में है। आपकी बेटी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक काम करो, पूरे 10 करोड़ रुपए इसी वक्त मेरे पास ले आओ। मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे मेरी बेटी प्यारी है। और हाँ, जरा से भी चालाकी मत करना, नहीं तो तेरी बेटी के टुकड़े करके तुझे पार्सल भेज दूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। कम सून। कम ऑन कम ऑन डैडी, जल्दी आ जाओ। फिक्स किया था इसलिए काम नहीं हुआ। 5% भरा दो। मुझे नेगोशिएट नहीं करना आता, समझते नहीं? मुझे तो आता ही। ज्यादा बहस मत करो। नहीं भाई, नहीं करता। अरे वो कार में चारों जा रहे हैं। रुको, हमें उनको पकड़ नहीं होगा। चलो वही लोग गाड़ी में, जल्दी चलो। चलो बैठो। मुझे उनका पीछा करना पड़ेगा। हाँ?
वेलकम ससुर जी। पापा, पापा। देखो ज्यादा बात करके मैं आपको बोर नहीं करूंगा। पैसे लाए हो ना, चुपचाप पैसे दो और अपनी बेटी को ले जाओ। ए, चल बैग ले। पापा। साक्षी, तूने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है तो अब जा, जाना। ऐसे कैसे जाएगी तू? सुनो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या है कि मिस्टर जगन्नाथ, तेरी बेटी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है और इतना जान लो कि जिसने भी मेरी इंसल्ट की है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। तेरी बेटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जगन्नाथ, ओनली 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। ए, सब रेडी है ना? देखिए सब कुछ रेडी है। चलो साक्षी चलो। हाँ देखो तुम्हारे पापा कितने परेशान हो रहे हैं। चल सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। देख जरा, देख तेरी क्या हालत हो गई। ए जगन्नाथ, समझा अपनी बेटी को। चलो उठ, उठ, चल उठ रे। तेरे सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे, उसके बाद मैं तुझे जाने दूंगा। ए क्या बे, बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है तू? बहुत बड़ा हीरो है तू, चारों तरफ मेरे आदमी है, ज्यादा शान पट्टी मत दिखाना। आज तू मेरे इलाके में है, पंगा मत लेना। मुझसे उलझने से पहले एक बार इसके बारे में सोच लिया होता। हाँ, ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी है ना? देख उसे कैसे शांति से खड़ा हुआ है। देखा कि नहीं, बॉस कितना स्टाइल मार रहा है। हीरो का साइज देखा क्या? मरने के पूरे चांसेस है, एक लड़की के चक्कर में हम सब क्यों मरे? चल क्या घूरता है बे? क्या घूर रहा है? हर चीज का एक सही टाइम होता है, एक लिमिट होती है, लेकिन तूने आज उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। अगर साक्षी के पिताजी से तूने पैसों की भीख मांगी होती तो वो तेरे मुंह पर मार देते और शायद तू बच भी जाता, लेकिन तूने इसकी इज्जत पे हाथ डाला। अब मैं क्या तुझे इतनी आसानी से यहां से जाने दूंगा? उसी दिन मैंने तुझे समझाया भी था और एकदम प्यार से समझाया था कि मेरा टाइम आ गया है, मेरा अच्छा टाइम आ गया है, याद है ना? और ये टेक्निक वाली मारामारी मुझे नहीं आती, मैं तो जंगली स्टाइल में मारता हूं, बोला था। अब तो तू देखता जा कि ये राजा तेरा क्या हश्र करता है। I am waiting.
पर राजा भी तो है। अबे दम है तो आजा। तेरे को तो हम लोग पहुंचाएंगे ऊपर। यार राजा हम लोग 9 है और वो लोग पूरे 12 है, क्या हम लोग मैनेज कर पाएंगे उन्हें? राजा बेटा, मैं जान गया हूँ कि तुमने अपने पहले प्यार को त्याग कर उसकी मदद भी की, अब मैं तेरी मदद करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी माँ को जब ये पता चलेगा तो वो खुश होगी, मुझे तुम्हारे बाप होने पर नाज है। ये हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। अरे यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, जो डायलॉग पे डायलॉग दी जा रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, मारे सबको। मुझसे जो भी टकराने आएगा ना, चूर चूर हो जाएगा। पाताल धरती आज सब एक कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए छुटकू इधर आ। ए ए ए रंबू तू इधर आ। ए स्टॉप, तुझे पता नहीं है कि तू जिससे टकरा रहा है वो तूफान का भी नाना है? अब तैयार हो जाओ क्योंकि ये तूफान शुरू हुआ। रुकना, मैं जरा बिगली गया तो 2 मिनट वेट कर, वेट कर, आ रहा हूं मैं। अरे काम भी नहीं होती थी हवा की उठती। तेरी तो इसने यहाँ पर मारा। अब तुम कहाँ मारोगे? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोते नहीं। मुझे तुम्हारी चप्पी लेनी है। हेलो, काला चौकी पुलिस स्टेशन। अच्छा, छुपी जाता हूँ। भाग गया। अबे निकली जा तो। अयो, ए उखाड़ ना रे, ए चलो, मुझे इतने जल्दी ऊपर नहीं जाना रे बाबा। ए उतार रे, मुझे ऊपर भेजेगा? हैं, आ जा ने, आ जा, आवे आने। ए ए नहीं, अब तक मैंने अपनी स्टाइल में मारा ही कहाँ है, अब देखना मेरी स्टाइल। से मैंने कहा रुको और अपने हथियार फेंको, मेरे ऊपर फेंक दिया। ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे लगा था कि तुम सब लोग पागल हो, पर तुम लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था अंकल, और वैसे भी हम लोगों ने किया ही क्या है।
साक्षी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, उसे हमने पूरा करने की कोशिश की है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके साक्षी, अब हमें जाने की इजाजत दो। पर हमें साक्षी की शादी में जरूर बुलाना। लेकिन गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। बिग पेन लेना, दिख रहा है कहीं और? देखो, यहीं तो दिख रहा है। अच्छा चलते चलते साक्षी, ऑल द बेस्ट, चलते हैं। राजा, पता था साक्षी राजा की होगी। ओके ना, प्यार की चीज। इसका सही टाइम चल रहा है। यस। राजा, तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई है। थैंक यू सो मच यार, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो राजा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे। लगता है राजा के कुंडली का दोष खत्म नहीं हुआ है। बाय। मेरे पैसे तो लौटा। अरे ओम, कहां से दूं? जिसके पास थे उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई, जा उन्हीं से मांग ले। पर मैं उसे कैसे पकडूं? भाग के जाना। ओ मेरे पैसे। पैसे का इतना भूखा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा यार। मुझे तुम पर गर्व है राजा बेटा, दिल जीत लिया तुमने। आज जब ये बात तुम्हारी माँ को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। ये भूमि मेरी भूमि, इसके हैं हम सिपाही। तू टेंशन मत लेना यार। देख अब तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया। एक चली गई तो क्या हुआ, दूसरी तीसरी चौथी बहुत सारी आएगी। तो एकदम करेक्ट है। हाँ। सोचने लगा राजा की आएगी बारात, पर मेरा क्या होगा दोस्तों? दामिनी छोड़कर चली गई, पता नहीं कब दिल में फूल खिलेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? है जिग्नेश मुंगेरी भाई, थोड़ा धीरज रख। जैसे हमारे राजा के दिन बदले हैं, हमारे भी बदलेंगे। याद रखना तुम दोनों को मैं एक बात कह रहा हूँ, जल्दी तुम्हारी लाइफ में पक्का एक सुंदर लड़की आएगी। एक्सक्यूज मी, आ गई जेंटलमैन, जरा पीछे देखना। अरे मरले रे, राजा की किस्मत पलट गई। उसके लाइफ में लक्ष्मी के आते ही वो अमीर हो गया। अब राजा एक बड़ी कंपनी का मालिक है। सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके तीनों दोस्तों की तकदीर बदल गई।
यान 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 कुडल चमेलियन चंद पनोली बुड पवे जवनर नाचली यान मंगलूर दा जवनर पंचाली यान मंगलूर दा जवनर पंचाली चमेलियन चंद पनोली बुड पवे जवनर नाचली यान मंगलूर दा जवनर पांचाली यान मंगलूर दा जवनर ಮಜೆಂಟ್ ಕೂಲಿಡ್ ತೆಲಿಪುವನಾ